इस क्लास में हम समझ पाएंगे कि हम 4 महीने में करने वाले क्या क्या हैं और किस तरह से क्या करेंगे और कैसे हम अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ इस 4 महीने में देखेंगे। ठीक है, लगभग सभी लोग आ गए, एक आध लोग मिसिंग है। ओके राहुल, अभी अभी के लिए आप वीडियो ऑफ कर लो राहुल, बाद में जब ऑन करने को बोलूंगा आराम से ऑन कर लेना। ठीक है, ओके ओके सो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि राहुल पाटिल अपना वीडियो ऑफ कर लेना ब्रदर, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे उससे, इसके वजह से बोल रहा हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसमें देखने वाले कि करने वाले क्या क्या हैं और किस तरीके से हम अपने कैरियर को यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि जो मैं पहला और आखिरी रूल होता है मेरा, मेरी डायरी इधर कहीं होगी, उसमें मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो आज से आप अपने माइंड में ये चीज डाल देना कि मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आज और कल 2 दिन हमारी क्लासेस नहीं है। ठीक है, 2 दिन हम पढ़ने वाले नहीं है, 2 दिन हम समझने वाले हैं कि करना क्या है। ठीक है, फिर जो उसके बाद तीसरा जो दिन होगा, उस दिन से हम लोग क्लासेस वगैरह जैसा कंटिन्यू चलेगा वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या सबसे पहली चीज अपने माइंड में रखनी है, माइंड में रखनी है कंसिस्टेंसी। इसको जिसने बना लिया, बिलीव करो वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। सीधी सीधी बात है कि जो किसी भी चीज को नियत प्रयास करेगा, ठीक है, मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी मसल्स होती है, हमारी मसल्स क्यों नहीं होती है, क्योंकि बॉडी बिल्डर डेली 4 से 5 घंटे जिम में क्या करता है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करता है। वही तो हमें भी करना है, हमें क्या करना है, हमें अपनी बीम में ग्रोथ करना है। तो बीम में ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ डेली नया 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 सीखना है। तो हमारा सबसे बड़ा एम आज ये होना चाहिए कि अब अगर आप सच में बनना चाहते हो तो ये एक्सक्यूज नहीं करना है कोई भी असाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा रोल असाइनमेंट्स का है। ठीक है, तो किसी भी असाइनमेंट्स को मैं अगर दिया तो आपके माइंड में ये एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि सर आज नहीं हो पाया कल करूंगा। ठीक है, बहुत रेयर, लाइक रेयर हो गया, कंडीशन ऐसी नहीं हो पाई तो एक अलग बात है, वो भी जॉब वालों के लिए। कोई स्टूडेंट अगर है, कोई सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, अगर वो बहाना मार रहा है तो बिलीव करो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। कालिदास एक कालिदास थे, तो कालिदास क्या थे कि जब कालिदास विद्वान नहीं थे, उससे पहले वो जिस डाल पे बैठते थे और उसी एक एक मतलब एक जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। सबने कालिदास को होप जानते होंगे, कमेंट करके बताना जानते हो कि नहीं। तो वो जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल पे को काट रहे थे। तो कुछ उसी तरीके से हमारे साथ होगा कि हम 4 महीने के लिए आए तो हैं कैरियर बूस्ट करने के लिए, लेकिन कैरियर बूस्ट करने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अपने ही कुल्हाड़ी से अपने ही उस पेड़ को काट रहे हैं जिस पेड़ पर हम बैठे हैं। ठीक है, तो पहला और आखिरी रूल है आपका कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज, बीम में मैं रटा दूंगा आपको, बीम बीम को आपके ब्रेन के अंदर डालने की गारंटी मेरी है। क्यों? क्योंकि मेरा लगभग 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे पता है कि इंटरव्यूअर क्या पूछने वाला है। सो इतना तो हेडक ही मत लेना कि इंटरव्यूअर क्या पूछने वाला है। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने से पहले एक चीज आप लोगों ने गौर किया, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया इससे पहले एक चीज मैंने आपको ग्रुप में मैसेज किया, क्या पता है, मैंने मैसेज किया कि सबने अपना मेल सेंड किया या नहीं, सबने अपना रिज्यूम मेल किया कि नहीं। आप सोचो ऐसा मैंने क्यों किया, अभी हमारा आपसे इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, लेकिन हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपका रिज्यूम आया कि नहीं। आप सोच रहे हो कि सर एक तो क्लास में अभी आपने कुछ पढ़ाया भी नहीं, आप रिज्यूम क्यों मेरा मांग रहे हैं? ठीक है, रिज्यूम इसलिए मांग रहे हैं, जिस तरीके से आप अगर आपके मैरिज का रिश्ता उस्ता होता है तो वहां पर जब आप जाते हो तो आप एक बायोडाटा शेयर करते हो ना, जिसमें क्या बोलते हैं, आपने क्या किया है, कितना सैलरी करते हो वगैरह वगैरह, बायोडाटा वगैरह शेयर करते हो। ठीक है, नहीं करते हो तो करोगे? ठीक है, वैसे ही जब आप आते हो एक इंडस्ट्री में आते हो तो वहां पर हमें मतलब होता है आपके रिज्यूम से। रिज्यूम में क्या होता है, रिज्यूम वो चीज है जो दर्शाती है कि आप रियल में हो क्या। ठीक है, मैं नहीं जानता पवन कौन है, वैसे पवन मेरा स्टूडेंट है मैं जानता हूँ, बट मैं नहीं जानता पवन कौन है, सतीश कौन है, मनीषा कौन है, आशीष कौन है। ठीक है, और हो सकता है मैं जानता भी हूँ, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि मैं इन सबको नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर मैं एक कंपनी का ऑनर हूँ तो मैं इनके रिज्यूम से मैं इनको जज करूंगा कि एक्चुअल में मनीषा कैसी है, एक्चुअल में सतीश कैसे हैं, या फिर मार्कंड कैसे हैं, पवन कैसे हैं, या सार कैसे हैं, राहुल कैसे हैं, आशीष कैसे हैं, सबको। ठीक है, तो मतलब पहला काम हमें क्या फोकस करना है, पहला चीज फोकस करना है हमें कि रिज्यूम
उस फॉर्मेट में बनाना है और उस तरीके से बनाना है कि सामने वाले कंपनी वाले को फील होना चाहिए कि नहीं यार ये तो रिज्यूम ही बना है हमारी कंपनी के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको मतलब आज ग्रुप में आपको मैंने देखा कई लोग का रिज्यूम में काफी चेंजेस है, तो मैं चाहता हूँ कि रिज्यूम में चेंजेस करने से पहले मैं आपका रिज्यूम को एक फॉर्मेट दे देता हूँ, रियल फॉर्मेट, क्योंकि कई लोग का मिस्टेक्स है। तो मतलब आप बेटर वे है कि टाइम सेविंग करने के लिए मैं डायरेक्ट आपको रिज्यूम दे रहा हूँ सैंपल्स, उस सैंपल को आप कर लीजिए एडिट, और एडिट करने के बाद मुझे तब शेयर करिए। ठीक है, और याद रखिएगा हम पूरे रिज्यूम को इस ट्रेनिंग के दौरान कम से 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार भी चेंज करवा सकते हैं। आप लोग सर ऐसा क्यों, रिज्यूम को बार बार चेंज क्यों करवाना है? तो रिज्यूम को बार बार चेंज इसलिए करवाना है कि अगर आपके घर में कुक की जरूरत है, कुक मतलब खाना बनाने वाले की जरूरत है, और आपका मन पसंदीदा जो जैसे कि मान लीजिए मनीषा है, इन्होंने अपने किचन का कुक हायर करना है और इनको सबसे अच्छा चिकन बिरयानी अच्छी लगती है, सबसे ज्यादा इनका फेवरेट क्या है, चिकन बिरयानी है, और मैंने अपने रिज्यूम में लिख रखा है कि मुझे हंडी बिरयानी आता है या फिर शाही पनीर आता है, तरह तरह की डिश मैंने लिख रखी है, और मैंने चिकन बिरयानी तो लिखा ही नहीं। अब क्या होगा, मैं भेजूंगा, ये रिजेक्ट कर देंगे हमारे रिज्यूम को। इस चीज को आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि सतीश के घर पे भी कुक की रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा चलो अप्लाई कर देते हैं। सतीश को चाय बहुत ज्यादा पसंद है पीना, ठीक है, तो मेरे को भी मैंने रखा हुआ इधर चाय, तो सतीश को चाय बनाना पीना बहुत अच्छा पसंद है, और मैं लिख रखा हूँ कि मैं कॉफी बना लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक बना लेता हूँ, क्या बोलते कोल्ड कॉफी बना लेता हूँ, तरह तरह की डिश लिख रखा, बट मैंने वो नहीं लिखा जो सतीश को पसंद है। गॉट इट? तो सतीश कभी भी मुझे या फिर मेरे इंटरव्यू नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि बोलेंगे यार जिसको चाय बनाना नहीं आता उसको मैं कैसे रखूंगा। ठीक है, सेम पवन के साथ है। ठीक है, पवन हो सकता है पनीर की सब्जी बहुत अच्छा पसंद करते हो, और मैंने लिख रखा है कि मैं क्या बोलते हैं ये सब्जी बना लूंगा, भिंडी की बना लूंगा, लौकी की बना लूंगा, और मैंने लिखा ही नहीं कि मुझे पनीर की सब्जी मतलब बनानी आती है, तो पवन भी मेरे सीवी को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। होप आपको आंसर मिला होगा कि कंपनी हमारी सीवी को शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं करती है। मैसेज करके बताना कि हाँ सर ऐसा हम लोग फेस कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो जैसे मैं मार्केट की बात करूँ अगर, तो ये भी अभी कैसे कि ये साइट पर काफी दिन से जॉब कर रहे हैं, ये है तो बहुत अच्छे बीम में, मतलब बीम का इनको नॉलेज भी है, लेकिन अब इनका कैसे हो रहा है कि इनकी सीवी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी सीवी में हर जगह पे साइट 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 दिख रहा है, जो कंपनी को चाहिए वो दिख नहीं रहा है। तो वो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा इस इंटर्नशिप में। इतना इंटर्नशिप में हम लोग अपने आप को रगड़ देंगे, इतना बेहतरीन रिज्यूम बनाएंगे। रिज्यूम का दूसरा नाम होता है BIM में, उसका नाम होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, रिज्यूम में तो हमने लिख रखा है कि हम लोग एक्चुअली ऐसा होता है ना, होटल में घुसो ऊपर एक मेन्यू बार होता है कि ये होता है, राइट, उसके बाद अंदर जाओगे तो कुछ फोटोज बने होते हैं कि देखो ये शाही पनीर बनेगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, और अगर चिकन बिरयानी बनेगी तो कुछ इस तरीके से। तो जब फोटोग्राफी दिख जाती है तो आपके अंदर बड़ा अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, वाह यार ये कौन सा फूड है, चलो ट्राई करते हैं, या फिर अरे इतना अच्छा इसने ये फूड बनाते हैं, तो आपके अंदर से एक ललक आती है एज ए कंपनी ओनर, और कंपनी फट से सेलेक्ट करता है। तो पहला काम है हमारा कि हमें रिज्यूम अपना ए ग्रेड का अपग्रेड करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ए प्लस ग्रेड का पोर्टफोलियो बनाना है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, प्रैक्टिस से बनेगा ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन। जिसको एक बार देख ले कोई ना, बोल दे भाई बस सब्जी खरीदनी है तो यहीं से खरीदनी है, क्योंकि इतनी अच्छी सब्जी की फोटोग्राफी, मैं एक दिन वो खरीद रहा था क्या बोलते हैं, एक कुछ ऐसे सामान था ऑनलाइन खरीद रहा था, उसकी क्या फोटोग्राफी हुई थी, बेडशीट था, बेडशीट सॉरी, वो फोटोग्राफी इतना बेहतरीन हुआ था कि मैं सोचा यार इतना बेहतरीन, बहुत अच्छा लग रहा था वो बेडशीट, मैंने मंगवा लिया उसको। मंगवाने के बाद फिर हाल में सेटिस्फाइड नहीं था उस बेडशीट से, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी जो मैं उस फोटोग्राफी में विजन कर चुका था, जो सोच चुका था कि इतना बेहतरीन दिखेगा। गॉट इट? तो आपका जो फोटोग्राफी है वो क्या है, पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो जितना अच्छा बनाओगे उतना महंगा आप सेल होगे खुद को। ठीक है, मतलब डेफिनेटली हम सेल होते हैं 1 महीने के लिए, अगर किसी के पास जाते हैं तो 1 महीने के लिए कोई हमें, एक बच्चे को देता है कितना, एक बच्चे को देता है 15,000 रुपये, और उसी कंपनी में या फिर दूसरी कंपनी में सेम काम को करने के लिए 45,000 रुपये भी दिया जाता है। ठीक है, और उसी चीज को करने में नो डाउट कई लोगों को 90,000 और 1 लाख रुपए भी पे होते हैं। ठीक है, मैं एक कंपनी में था, तो उस कंपनी में जोमेटो की कंपनी थी, तो उस कंपनी में मेरा काम था ड्राफ्टिंग का। ठीक है, उनके जो किचन बनते थे उसकी ड्राफ्टिंग करने का काम होता था। एडविश्योर कंपनी थी, एडविश्योर हॉस्पिटल कंसल्टेंट, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अगर आपने सुना होगा, तो उसके जो किचन वगैरह डिजाइन हुए वो मैंने किए हुए हैं, तो काफी मतलब हम लोग कई लोग रहते थे, तो मतलब मैक्सिमम पार्ट जो सिविल का होता था मैं करता था।
तो वहां पर क्या था कि एक बर्गर बनाने वाला आया, बर्गर बनाता था वो, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा होटल था, वो चंडीगढ़ में है, सेक्टर 37 में। तो उस होटल में जो बर्गर का प्राइस था वो 700 रुपीज था। कितना था? एक बर्गर का प्राइस 700 था। होटल 5 स्टार रहा होगा या फिर, उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं था क्या था, क्योंकि अपना बजट उस टाइम भी बहुत डाउन होता था। तो वहां पर 700 का एक बर्गर, उसके साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक भी देते थे। तो वहां पर एक कुक आया जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्गर बनाता था, लेकिन उसको बर्गर बनाने की सैलरी, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, 35,000 उसका बर्गर बनाने की सैलरी थी, ठीक है। मैं वहीं पे बैठ के ड्राफ्टिंग कर रहा था, मेरी सैलरी थी 12,000 रुपए, ठीक है। और वो बंदा जो आया इंटरव्यू देने के लिए, वो हाई स्कूल पास था। क्या था? हाई स्कूल पास था। और मैंने उसे ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए पूछा कि यार बर्गर तो तुमने बड़ा अच्छा, क्योंकि वो क्या होता था, जब वो सैंपल बना के देता था तो हम लोग को टेस्ट करने के देते थे, वेज वाले जो होते थे मुझे देते थे, नॉन वेज तो मैं खाता नहीं। तो वेज में मैंने खाया, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा बर्गर तुमने बनाया। तो मैंने बोला कि तुमको कितना सैलरी ऑफर हुआ? तो वो बोला कि सर मुझे 35,000 ऑफर हुआ। मैं हैरान हो गया, वो मुझे सर बोल रहा है और मेरी सैलरी 12,000 रुपये है, ठीक है, और उसकी सैलरी 35,000। मैंने सोचा हो सकता है इसने कुछ एमबीए एमबीए किया हो, कुक वगैरह कुछ होता होगा, उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था मुझे। तो मैंने पूछा कि तुमने क्या क्या एजुकेशन क्या किया? उसने बोला हाई स्कूल पास हो। क्या बोला? हाई स्कूल पास हो। उस दिन मुझे समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम एक स्किल्स के एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, आता हमको सब कुछ है लेकिन एक्सपर्ट नहीं है। इसकी वजह से हमारी सैलरी 12,000 रुपए है। इस बंदे को सिर्फ बर्गर बनाना आता है लेकिन उसमें ये टॉफ है, इसकी वजह से इसकी सैलरी जो है वो 35,000 है एज अ कुक, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है बेहतरीन लेवल का। दूसरी चीज हमें, ये मैं सब मैं दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज हमें क्या करना है? रिज्यूम, जिसको पढ़ के सामने वाला इंप्रेस हो जाए। तो जब कभी किसी कंपनी को आप रिज्यूम और पोर्टफोलियो देते हो तो बिलीव करो वो आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं अगर आपको अपना मेल आईडी खोल के दूं तो उसमें कम से कम 60 से 70 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा होगा। तो हम किसकी सीवी को डाउनलोड करना चाहेंगे? अगर दिन भर सीवी डाउनलोड करते बैठेंगे तो मेरा डाउनलोड बॉक्स तो पूरा का पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो हम सीवी को शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं किसने बेटर कवर लेटर लिखा हुआ है। कवर लेटर क्या होता है, अभी आगे दिखाने वाला हूं। तो जिसने सबसे बेस्ट कवर लेटर लिखा हुआ है हम उसी को डन कर देंगे और उसी का रिज्यूम डाउनलोड करेंगे। तो उसे आइडिया लग जाए ना कि एग्जैक्टली यार ये बंदा जो है इसको ये चीज आती है जो हमें रिक्वायर्ड है। अब आप लोग सर एक बार दिखा दोगे क्या? हाँ जी, चलो दिखाते हैं कि कवर लेटर से कितना बड़ा इंप्रेशन होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्लास नहीं है, सिर्फ क्लास में एंट्री करने का एक वे हम लोग तैयार कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें कहाँ कहाँ पे काम करना है। तो 3 जगह पे काम करना है। पहला है सबसे मेन रिज्यूम, कवर लेटर और पोर्टफोलियो, इन्हीं तीनों पे एकदम बेहतरीन करना है। कुछ कवर लेटर्स मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लगे, उसके बाद आपसे बात करूंगा एक एक लोग से, टेंशन मत लेना। और एक बार जस्ट मैं तुमको दिखा दूं कि ओके मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को ना? मैं इसको बहुत कम यूज करता हूँ, गूगल मीट को इमरजेंसी के लिए ही यूज करता हूँ। तो होप दिख रहा होगा तो मैसेज कर देना कि हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है क्या पवन? मैसेज कर देना मनीषा कि मेरा दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं, लाइक स्क्रीन। ओके ठीक है, किरण को नहीं दिख रहा है? किरण दिख रहा होगा डियर। ओके चलो, तो आप देखो कि आप लोगों ने भी अप्लाई किया होगा बहुत सी कंपनियों में ना, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से अप्लाई नहीं किया होगा जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा एक स्टूडेंट है, सक्सेस का है। तो मतलब आपको ये नहीं देखना है कि ये स्ट्रक्चर का क्यों है, तो मैं आपको जो सैंपल बता रहा हूँ, किसने देखो एक कवर लेटर कैसे लिखा हुआ है, डियर सर वगैरह वगैरह यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको ये ग्रुप में भेज दूंगा क्या लिखा है इसने, सब कुछ आप पढ़ना। अभी के लिए जस्ट मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, इसने लिख रखा है कि मैंने क्या किया एजुकेशन। इसने लिख रखा है पॉइंट वाइज कि मेरे पास किस चीज का नॉलेज है, ठीक है। अब इसके बाद इसने लिख रखा है कि भाई अगर सॉफ्टवेयर का काम है आपके यहाँ तो हमें ये सॉफ्टवेयर के मेरी एक्सपर्टीज है। उसके बाद इसने लिख रखा है कि आप प्लीज मेरी सीवी को देखिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं एक वर्थफुल इंसान हूं तो तुरंत मुझे इसी मेल आईडी पर
आप कॉल दे सकते हैं कि भाई आ जाओ इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज कॉल भी करेंगे तो मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, आई लुक फॉरवर्ड फॉर स्पीकिंग विथ यू। जब इसने प्यारा लिखा है इसने, तो मैं अगर एक नंबर का गधा हूँ तभी मैं इसकी सीवी को डाउनलोड नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं एक समझदार इंसान हूँ और इतना मेहनत इसने किया है, दिख भी रहा है, एक्चुअली ये मेहनत तो हर किसी के लिए सेम ही कर रहा है वो, मतलब कवर लेटर तो एक ही बनाया है, लेकिन हर जगह जब लिख रहा है तो मुझे तो यही आइडिया लग रहा है ना कि मेहनत कर रहा है। तो जब इसने मेहनत किया तो इसने प्रॉपर लिखा कि आई एम राइटिंग वगैरह वगैरह, और उसने अपना स्किल बताया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर का स्किल दिखा दिया। अब मैं अगर समझदार इंसान हूँ, मुझे अपनी कंपनी का बेनिफिट चाहिए, तो इसकी सीवी डाउनलोड करना मेरी मजबूरी हो जाएगी। और बिलीव करिए, सीवी डाउनलोड होने का मतलब है कि 50% आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की सीवी कोई डाउनलोड ही नहीं करता, कितना डाउनलोड करेंगे, मेरी भी डाउनलोड लिस्ट भर जाएगी अगर दिन भर करते रहेंगे। गॉट इट? ये अभी तक किसी ने नहीं किया होगा, किया होगा तो इतना बेटर मैनर में नहीं किया होगा। इसकी वजह से एमएनसीज का आपको रिस्पॉन्स नहीं आया होंगे, ये एक जेडब्ल्यू कंपनी है उसके लिए इसने अप्लाई किया है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि BIM के एक लड़का है, वो BIM में काम कर रहा है, टेक्सचर्स में, कुछ कोई एक उसका दोस्त भी अपने क्लास में है शायद, तो वो टेक्सचर्स में काम कर रहा है नागपुर में। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, ये BIM का स्टूडेंट इसलिए दिखा रहा हूँ, तो इसने क्या किया, इसने कवर लेटर देखो मैंने ही बनवाया है, तो इसने प्रॉपर लिख रखा है कि जो भी कंपनी है, और सर आई एम राइटिंग फॉर अप्लाई द BIM आर्किटेक्ट, BIM इंजीनियर और डिजाइन इंजीनियर, पॉजिटिव अपकमिंग पॉजिटिव प्रोजेक्ट, आई हैव कम्प्लीटेड माई प्रोफेशनल डिग्री, जो भी इसने बीटेक बी किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसके पास गुड नॉलेज ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ, रेरा, वास्तु, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, इसके पास नॉलेज है, और इसके बाद इसने क्या दे रखा है कि हमको किस किस सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, और फिर नीचे लिख रखा है कि मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, आप मेरी सीवी को शॉर्ट लिस्ट करें, और उसके बाद एक रिक्वेस्ट फॉर्म दे रखा है। ठीक है, और मेरे से सीखा था इसने, तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने इसको दिए थे डेमो के लिए, तो प्रोजेक्ट इसने हाईलाइट कर दिया जिससे कि सामने वाले को लगे कि इसने लाइव भी प्रोजेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद सीवी एकदम सिंपल, अब देखो इसकी सीवी में कुछ है, कई लोग बोलेंगे सर ये तो सीवी बहुत सिंपल है, एक्चुअली में सिंपल सीवी ही सबसे बेस्ट सीवी होती है। ठीक है, तो अब इसने केवल डिग्री लिखा, डिग्री के बाद जो मेन चीज लिखा है इसने कि अपने टेक्निकल स्किल को एक्सप्लेन किया कि मुझे आता क्या क्या है, रेबिट में क्या क्या आता है, जैसे कुछ लोग ना कूड़े की तरफ फेंक देते हैं। ठीक है, मैंने आपकी भी सीवी देखा है, बहुत मेरे बहुत से लोगों को सीवी देखा है, वो सिर्फ लिख देंगे ऑटो कैड, रेविट, क्या आता है रेविट में, रेविट आर्किटेक्चर आता है, रेविट स्ट्रक्चर्स आता है, जो भी आता है आपको एक्सप्लेन करना है। फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ सीखा आपने, मेरे से सीखा या कहीं और से सीखा, फिर टाइटल आपका, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद कुछ अचीवमेंट्स हैं क्या आपके, अचीवमेंट्स मतलब कि आपको क्या बोलते हैं, कुछ कॉलेज में अचीवमेंट थे, आपने एंकरिंग किया है, कोई इवेंट मैनेज किया है, और उसके बाद ये सारी चीज़ फिर उसके बाद डन कर दिया। फिर हॉबी बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है अपने जो भी हैं, और अगर स्ट्रेंथ आपने लिखा है तो मच बेटर है। तो ये मैंने आपको सीवी दिखा दिया, अब यहाँ कोई माइक ऑन करना चाहता है, अच्छा एंट्री करना चाहता है कोई, अब से कट रहे, अब से एकदम लेट हो गए, देखो लेट करोगे ना तो आधा चीज़ आपके ऊपर से चला जाएगा, आधा ही समझ में आएगा, तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखो। पोर्टफोलियो देखो, ये जब बिगनर था तब, अभी का पोर्टफोलियो इसका बहुत हाई लेवल का है वो नहीं दिखाऊंगा, जब बिगनर था तब का पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ, जब ये ट्रेनिंग कर रहा था मेरे से BIM का, आज से लगभग 1.5 साल पहले। तो अब देखो इसने क्या किया, फ्रंट व्यू इसने एक मैंने इसको प्रोजेक्ट दिया था, ये लाइव प्रोजेक्ट था इसका, तो ये प्रोजेक्ट इसने बनाया, इस प्रोजेक्ट का इसने साइड व्यू दिखाया। ठीक है, एज ए बिगनर आप सोच सकते हो कि एज ए बिगनर अगर ये क्वालिटी आप दे दोगे बैक व्यू, तो कंपनी कैसे नहीं इंप्रेस होगी, फ्रंट व्यू। फिर दूसरा प्रोजेक्ट इसने साइड व्यू का लिया, फिर इसने क्या बोलते हैं यहाँ पर एक दूसरा व्यू उसका शेयर किया, फिर इसने कहा इसका लाइट मोड दिखा देते हैं, मतलब नाइट में कैसा दिखेगा, लाइटिंग वाइटिंग लगा दिया, सब सिखाऊंगा आपको रेविट में, कोई बड़ी बात नहीं है, सीखोगे आप। फिर इसने क्या किया, एक बैक व्यू दिखा दिया कि पीछे से कैसा दिखेगा इनका जो भी बिल्डिंग्स है। फिर इसने कहा कि सर कुछ बेहतर रेंडर कर देते हैं, तो एक इंस्केप नाम का प्लगइन होता है उससे रेंडर कर दिया, तो एकदम बेहतरीन रेंडर हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब आप सोच सकते हैं बिगनर का क्वालिटी है, ठीक है, ये BIM की जो ट्रेनिंग ले रहा था तब की क्वालिटी है। ठीक है, अब साइड व्यू देख लो आप, ठीक है, और आप इसका ये प्रोजेक्ट देख लो, आप समझ सकते हो स्विमिंग पूल वगैरह सब इसने कितना बेहतरीन लगा दिया है इसके अंदर। फिर थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट भी बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ लगा दिया इसने। ठीक है, ओके,
गॉट इट। इस तरीके से करके फिर इसने नाइट मोड इसका भी दिखा दिया, और फिर इसने थैंक यू लिखना नहीं भूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप एक बिगिनर कंपनी, आपने कंपनी खोला हुआ है क्या, आपने कंपनी खोला हुआ है, और अगर इस तरीके का एक फ्रेशर लड़का जो कि 12 15 16 18 20 हज़ार की सैलरी पर काम करने को रेडी है, आप इसको हायर करेंगे कि नहीं, कमेंट करके बताओ। इसका पोर्टफोलियो आपने देखा, इसका रिज्यूम देखा आपने, और इसका क्या बोलते हैं कवर लेटर देखा, आप कमेंट करके बताओ कि आपकी खुद की कंपनी है तो आप इसको हायर करोगे कि नहीं। मनीष आप भी बताइए, सतीश आप भी बताइए, अभिषेक थोड़ा कम ही देख पाए हैं, ठीक है ठीक है, यस सभी लोग रेडी हो गए इसको हायर करने के लिए। गॉट इट, आशीष ने भी बोला ओके। सभी लोग अपना आंसर दे सकते हैं, आंसर देने का मतलब होता है कि आप एक्टिव हैं और आप समझ रहे हैं कि हाँ यार इसको देने से। कुलदीप आप भी बताओ, ठीक है वेरी गुड, हायर करेंगे सर ओके। सीनू आपने नहीं बताया, सुषमा आपने भी नहीं बताया। एसआर तुम यार अपना फुल नेम बताओ, मैं तुम्हारा नाम मुझे पूरा नहीं कंफर्म हो पा रहा है, ठीक है। कुलदीप ने भी किया, ठीक है। तो मेरा कहना क्या है, मेरा कहना है कि आपको सक्सेस मिल गई, ठीक है, मेरा कहना है कि आपको सक्सेस मिल गया। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि आपने रिजल्ट देख लिया कि एक लड़का है उसने इस तरीके का रिज्यूम बनाया है, और क्या बोलते हैं रिज्यूम बनाया, इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाया है, उसको हम हायर कर रहे हैं। तो जब आप अपनी कंपनी में हायर कर सकते हो, तो मतलब अगर ये क्वालिटी आपकी आ गई तो नेक्स्ट कंपनी आपको क्यों नहीं हायर करेगी, ठीक है। लोग भटक रहे हैं इधर उधर इधर उधर, कभी साइट पर कभी कहीं पे, यार ये क्वालिटी ला लो ना। और ये क्वालिटी बिगनर की है, मैं एक्सपर्ट वाला नहीं दिखाया आपको, क्योंकि एक्सपर्ट वाला दिखाऊंगा तो अभी आपके माइंड में वो वाला लेवल पहुंच जाएगा, वो लेवल इतना जल्दी नहीं आएगा। ये बिगनर की लेवल है जिसको केवल इसने 1 से 1.5 महीने में अचीव किया हुआ है, 1 से 1.5 महीने में अचीव किया हुआ है। और मेरा मानना यह है कि आप 10 चीजें मत सीखो, कुछ चीजों में एक्सपर्ट बन जाओ। ये रेबिट में एक्सपर्ट बन गया, आज के टेक्सचर में 35,000 रुपए सैलरी है, कितनी 35,000 सैलरी है, मे बी और बढ़ा हो तो पता नहीं, वो वीडियो जो देखेगा तो कमेंट करेगा, ठीक है। तो कहना ये है कि ये 12,000 से गया, 1.5 साल में ये लगभग 35,000 के आसपास पहुंच चुका है, हो सकता है 1.5 साल से ज्यादा हो गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक आपको आइडिया बता रहा हूँ कि भाई इतना हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या फोकस करना है, हमें फोकस करना है कि अपना रिज्यूम हाईलाइट लेवल का कैसे बनेगा। हाईलाइट जब आपकी स्किल्स ऐड होंगी आपके रिज्यूम में, तो आपका रिज्यूम अपने आप हाईलाइट लेवल का हो जाएगा ओके। अगर उसके बाद दोस्त नेक्स्ट क्या करना है, पोर्टफोलियो, और नेक्स्ट क्या करना है कवर लेटर, पूरा ट्रेनिंग हमारा इसी बेस पे रहेगा, ठीक है। तो ये रहा समरी। अब बात करते हैं ये बनेगा कैसे, ये लेवल आएगा कैसे। तो ये लेवल आने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम आपको डेली टास्क देंगे, ठीक है, डेली टास्क देंगे, और वो टास्क को बिना किसी एक्सक्यूज के, मतलब बहाना नहीं करना है, बिना किसी एक्सक्यूज के आपको डेली के बेसिस पे डेली फिनिश कर देना है। आज का अगर आप कल करोगे तो इकट्ठा हो जाएगा, क्यों, अगर मान लो आज का कल सोचे कर लेंगे, कल का भी हो गया है 2 दिन का काम, 2 दिन नहीं किए तो 3 दिन का काम, फिर आपको लगेगा सैटरडे संडे को कर लेंगे तो मैं सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा काम दे देता हूँ। तो कुल मिला के आपको ये मौका नहीं मिलेगा। एक एक सीढ़ी छोड़ी, अगर आप तो सिविल इंजीनियर हो, एक सीढ़ी छोड़ी कि इसको छोड़ के आगे चढ़ लेंगे तो बिलीव करो पैर दर्द करने लगेगा। चलो एक छोड़ भी दिया, दो छोड़ दिया ना, तो मुश्किल हो जाएगा कि चढ़ पाओगे आप। गॉट इट। चलो ये रहा हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम लोग करने वाले क्या क्या है, ठीक है। तो मैं जो भी आपको टास्क दूंगा, और एक फॉर श्योर कर देता हूं कि आज से आप में से 80% लोग अगर इंटर्नशिप नया को ज्वाइन करते हैं, मतलब अभिषेक की अगर अटेंडेंस 80% है, मनीषा की अटेंडेंस 80% है, पहले से क्लियर कर दे रहा हूं, तभी मैं आपको 4 मंथ का इंटर्नशिप दूंगा, सर्टिफिकेट जो रहेगा वो तभी दूंगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो पूरा फीस दे रहा हूँ। भाई फीस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, मेरे लिए मायने रखता है आपकी कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप खुद से समझ लो, ठीक है। आप अगर 80% अटेंडेंस मुझे दे सकते हो, एक्चुअल में वही लोग आएंगे यहाँ पे, बिलीव करो 2-4 लोग तो भाग जाएंगे, ठीक है, खुद ही फोन करेंगे सर मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो आलसी लोग होंगे, और जो रियल लोग हैं वो तो डेफिनेटली कर ही लेंगे। तो मैंने रूल बनाया है कि 80% अटेंडेंस कंपलसरी रहेगा आपके बैच के लिए। आप कहाँ से करते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मोबाइल से कहीं से भी कनेक्ट कर लो, ठीक है, कहीं भी बैठे हो 2 मिनट के लिए लॉग इन कर लो, ठीक है, सर के पास आ गए ओके, सर ने टास्क मेरा चेक कर लिया क्या, और 80% अटेंडेंस के साथ 80% आपको जो मैं काम दूंगा वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब मैं अगर आपको 10 ड्रॉइंग्स प्रैक्टिस करने के लिए दिया हूँ
तो 10 जो कर ले तो उसका तो भाई उसका तो स्वागत है, लेकिन अगर जो 10 में से 8 भी नहीं कर रहा है वो मेरे से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ये मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ। और ये शायद आप भी एक्सेप्ट करोगे कि ये एक अच्छी चीज होगी, ठीक है, बिलीव करो। बहुत से लोग वीडियो कोर्स लेके पढ़ सकते थे, बट फैक्ट ये है कि वीडियो कोर्स को लेने के बाद लोग 3-4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर वॉच करते हैं, उसके बाद कुछ लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम जो मैंने देखा है अपना जो डाटा है उसका बैकग्राउंड उससे मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लोग 1 हफ्ते, 15 दिन, महीने भर कंसिस्टेंट रहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। शायद आप में से कोई एग्री होगा तो कमेंट करना इस चीज़ से। तो ये चीज़ क्यों नहीं बनते, क्योंकि भाई कंसिस्टेंसी। अब एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूँ इसके लिए, क्रिकेट सभी लोग खेलते होंगे लगभग, या फिर कोई भी गेम होगा सभी लोग खेलते होंगे, ठीक है। लेकिन यार जब क्रिकेट का नाम आता है तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लेते हैं, कमेंट करके बताओ, ठीक है। जब हम क्रिकेट का नाम लेते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सचिन तेंदुलकर का, ठीक है, मेरा फेवरेट वही थे, सचिन तेंदुलकर, गॉट इट, ठीक है। और क्रिकेट यार मैं भी खेलता हूँ, ठीक है, क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ। अब मुझे आंसर बताना आप कि क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ, बचपन में भी खेलता था, आज भी, जब मुझे अभी भी मैं घर गया तो मैंने क्रिकेट खेला, लेकिन मैं सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं हूं? अब आप आंसर कर दो, ठीक है, ओके, इन्होंने बताया, सभी लोग अपना आंसर करो, मैं चाहता हूँ सभी लोग अंदर दें आंसर करें, ठीक है। इन्होंने बोला कंसिस्टेंसी का, कमाल, वेरी गुड। इन्होंने बोला प्रैक्टिस, करेक्ट है। सभी लोग अपना अपना आंसर करो, क्या उसने ऐसा किया, रेगुलर प्रैक्टिस, करेक्ट है, ठीक है। अब पटेल, आपने आंसर नहीं किया ब्रदर, सुषमा आपने भी नहीं किया, लैक ऑफ प्रैक्टिस, करेक्ट, इसके वजह से मैं अपने क्रिकेट वाले गोल को पहुंचा नहीं पाया, एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि सचिन तेंदुलकर डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपनी प्रैक्टिस के लिए डॉट वहां पर पहुंच जाते थे, ठीक है। तो मतलब मैं ज्यादा तो नहीं, मतलब क्रिकेट वगैरह या फिर ज्यादा मैं इन सब चीजों में टाइम नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा उनसे कि भाई ये सब जो कमाल हुआ है ना, ये कंसिस्टेंसी से हुआ है। तो यही कमाल हम अपने प्रैक्टिस में भी डाल रहे हैं कि आपको 80% कम से कम करना ही है। सो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा कि नहीं नहीं सर ये तो आपने गलत कर दिया। मैं आपको क्लास 1 में बता रहा हूँ, ये क्लास में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, ठीक है, सो दैट कि कोई भी बहाना नहीं करेगा कि देखो ये तो आदत करना पड़ेगा। बिलीव करो, मैं कई बार ऐसा हुआ कि जिम गया, ठीक है, और जिम में पैसे भी भरे, ठीक है, सॉरी पैसे नहीं भरे, और 1-2 दिन मैंने प्रैक्टिस किया, फिर जिम जाना छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन मैंने कई लोगों को सुना है कि जो एक साथ बहुत ढेर सारा पैसा दे देते हैं जिम को, वो मन हो या ना हो वो कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उनकी एक मजबूरी हो जाती है, बाद में उनकी हैबिट पड़ जाती है, फिर उनको अच्छा लगने लगता है कि यार मुझे जिम जाना ही जाना है, जिम जाना ही जाना है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, एक दिन पिया कोई दिक्कत नहीं, 2 कल पियेंगे नहीं पियेंगे, 1 महीने तक पिया अपने आप आदत पड़ जाती है। तो मुझे आपका केवल 21 दिन चाहिए, 21 दिन के बाद तो आप खुद से करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। 21 दिन के बाद आपकी हैबिट हो जाएगी कि यार अब तो प्रैक्टिस करना है, असाइनमेंट्स डन करना है, ठीक है। तो जो जुनून आज आपके माइंड में दिख रहा होगा कि यार क्या बोलते हैं सर सही बोल रहे हैं, मुझे भी सचिन तेंदुलकर की तरह अपने फील्ड में सचिन तेंदुलकर बनना है, तो वो तो प्रैक्टिस ही है, सबको पता है। तो ये चीज को आप 4 महीने बरकरार रखना, होगा क्या कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते तो बड़े जोश में रहे हो, ठीक है, वो बल्लेबाज अच्छे नहीं होते कि जो आए फटाफट और किए, ठीक है, वो वीरेंद्र सहवाग की एक अलग चीज है, ठीक है। बाकी जो क्रिकेटर्स होते हैं वो सक्सेस तभी नहीं हो पाते क्योंकि वो आए फटाफट खेले और चले गए, जो एकदम टिक के समझ के लंबा चलते हैं वही अच्छे होते हैं, और हमें लंबा चलना है, ठीक है। अब आप अपने डाउट्स जो भी आपके माइंड में कुछ है एक एक करके आप बात कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी, मतलब ये मत सोचो कि क्लास है, मैं पहले से बोल रहा हूँ ये क्लास नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ हम मैं आपसे इंट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, सो दैट कि हम आपको समझ पाए और आप हमको समझ पाए कि एक्चुअली हमें हमारा विजन क्या है, ठीक है। मेरा विजन है कि आपको हैबिट डलवाना है, एक प्रैक्टिस का हैबिट डलवाना है कि भाई डेली टास्क करना है, और हैबिट डलवाना है कि भाई हर जगह सक्सेस है, सिर्फ कमी है हमारे वर्क प्रेशर पे, हम काम उतना नहीं करते, ठीक है। पवन का क्वेश्चन आया हुआ है कि सर लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, लैपटॉप अगर आपके पास जो है अभी करंट में बेटर होगा कि वही चलाइए, लेकिन अगर आप नया खरीद रहे हैं, ठीक है, नया खरीद रहे हैं तब आप सोच समझ के खरीदें। जिसमें से जो मैं यूज कर रहा हूँ जिसमें बेटर चल रहा है वो है एचपी पवेलियन सीरीज, और इसमें ब्रदर आपका 8 GB RAM आपको मिनिमम चाहिए, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, 8 GB RAM, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड,
ठीक है, और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, अगर 16 GB रैम का आपका बजट बन जाता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप रैम डला सकते हैं। और राइजन का प्रोसेसर लेंगे तो मेरे में अच्छा चल रहा है राइजन का प्रोसेसर, तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कोई मैं किसी भी कोई स्पॉन्सर वगैरह तो करता नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कोई देता भी नहीं है कि स्पॉन्सर करो, क्योंकि ये डेफिनेटली 15 लोगों के लिए कौन सा स्पॉन्सर देगी कंपनी, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, राइजन का प्रोसेसर ले लो जो मैं यूज कर रहा हूँ, राइजन 5 भी सकते हो तो राइजन 7 भी ले सकते हो। आपको दिक्कत होगी तो मैं ग्रुप में लिंक भी शेयर कर दूंगा जो मेरे फेवरेट लैपटॉप है, ठीक है, और बाकी आप अपने से डिसाइड करोगे, ज्यादा बेटर हो, कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे बोलोगे सर ये ऐसा हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर सर, सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल करना होगा? सबसे पहले आपको ऑटोकैड इंस्टॉल करना होगा, और आज के लेक्चर में ही मैं बताने वाला हूँ कि कैसे करना है, लिंक भी आपको दूंगा, प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे करना है, सो टेंशन का कुछ भी लोड नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर मैं खुद करवाऊंगा, मतलब मैं बताऊंगा इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस है, ये वीडियो हेल्प करेंगे, सारा प्रोसेस मेरे तरफ से होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि सर हाउ मच कॉस्ट सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू लर्न, ओके, हम लोग जो सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वो ऑटोकैड और रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर्स और रेविट फैमिली पे करेंगे, हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर्स और ऑटोकैड और रेविट फैमिली, इस पे मेन फोकस होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो जॉब लगेगी वो इसी पे लगेगी, ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर। बट उसके बाद हम लोग रैबिट एमईपी भी सीखेंगे, क्योंकि कल को एमईपी की ड्राइंग आ गई तो हमको समझ में ना आए तो हम फिर मतलब अनाडी समझ आएंगे ना, और उसके बाद हम लोग नेविस वर्क भी सीखेंगे, स्केचअप भी सीखेंगे, 3ds मैक्स भी सीखेंगे, टेकला भी सीखेंगे, ठीक है, सीखेंगे सारे। लेकिन वही होता है ना कि एक शॉट, जैसे कि भी धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट बहुत फेमस है, तो उसको पता है कि रन बनाने के लिए अगर मेरी हेलीकॉप्टर शॉट पे प्रैक्टिस रहा तो मैं कुछ नहीं तो 2-4 छक्के लगा के आ जाऊंगा, 2-4 छक्के का मतलब है कि 50-60 रन तो मैं पहुंचा ही लूंगा कैसे भी करके, गॉट इट। तो हमारा मेन फोकस होना है, जो हम मेन आपके पूर्व मेहनत मैं करूंगा वो ऑटोकैड पे करूंगा, रेविट आर्किटेक्चर पे करूंगा, रेविट स्ट्रक्चर पे, रेविट फैमिली पे, उसके बाद आगे हैं डेफिनेटली सिलेबस में तो हमारे सारे कुछ है, गॉट इट। और आपको भी यही सजेशन दूंगा कि इन सब में एक्सपर्ट रहना, उन सब में इंटरमीडिएट भी रहोगे अगर टेकला में या फिर 3ds मैथ्स में तो भी चल जाएगा, ठीक है सर। बीम में ब्रिजेस और रोड्स भी डिजाइन करते हैं अगर हाँ तो वो हमारे सिलेबस में क्या नहीं, क्या बोलते हैं, डेफिनेटली बीम में कर सकते हो, बीम तो एक तरीके का प्रोसेस है तो उसके अंदर हर तरीके के सेक्टर्स को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बीम का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है बिल्डिंग्स में, इसीलिए इसको बोला जाता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है। तो आप किसी भी चीज का मॉडल अगर करते हो और उसको प्रोसेस डिजिटल करते हो, लैपटॉप पे करते हो, तो बीम के अंतर्गत आता है, लेकिन जो बीआईएम का रियल यूज है वो बिल्डिंग्स में है, ठीक है, बिल्डिंग्स में, इसलिए देखते हो कि सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट लोग यूज करते हैं। हाँ, बिल्डिंग के अंदर जो रोड बनती है, तो जो बिल्डिंग्स के अंदर आप दिखाते हो, इधर से कॉलोनी में, इधर से कॉलोनी में, टाइप 1 बिल्डिंग, टाइप 2 बिल्डिंग्स, वो सारे रोड्स आप इसके अंदर दिखा सकते हो, ठीक है। वो जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं वो सब हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा मेन और फोकस और लास्ट फोकस बिल्डिंग्स 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 है। ओके, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखने बता दिया मैंने, और ये बोल रहे हैं कि सर बीम ड्राफ्टिंग के अलावा प्लानिंग एस्टिमेशन होगा या नहीं? यस डेफिनेटली, मैंने क्या बोला कि हमारा मेन फोकस है रेविट ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर और रेविट एमईपी, तो जो प्लानिंग होती है ऑटोकैड के अंदर होती है, एस्टिमेशन रेविट के अंदर होती है, और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग है वो भी ऑटोकैड और रेविट दोनों पे होती है, तो ये सब कुछ होने वाला है राहुल, ठीक है। इस पे मैं 1 से 1.5 महीना लूंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि आपका जो सक्सेस मिलने वाला है वो इसी पे मिलने वाला है, आगे की चीजें भी सिखाऊंगा लेकिन वो धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े टाइम पे और सीखते जाओगे, मेरा कोशिश ये है कि आप 1 से 1.5 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी जॉब लग जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, इस समय जो बीआईएम की पहली गूगल बैच चल रही है, 6 लोगों के पास जॉब का ऑफर है, ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, बच्चे भी शायद देखेंगे। वो ना करे जॉब, मैंने बोला कि अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है मत जाओ, ठीक है। कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, 15 में से 6 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, अभी केवल 3 हफ्ते की क्लास हुई है। तो मेरा भी कोशिश आपके लिए भी यही रहेगा कि आप कहीं ना कहीं से कोशिश करिए 1 से 1.5 महीने में सेलेक्ट हो जाइए, बाकी आप साइड बाय साइड सीखना स्टार्ट रखिए हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। सर हाउ वी मैनेज क्लास डेली टास्क एंड व्हाट विल कवर इन मॉर्निंग क्लास, ओके।
आपको मैं डेली क्लासेस असाइन करूंगा, जिससे मैंने आपको बोला कि आज और कल आपका क्लास नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है और समझना है कि भाई हम लोग एग्जैक्टली करने वाले क्या है। परसों से हम आपको क्लासेस देंगे, मतलब कि आपके पास टास्क होगा। आपको सपोज मैंने दे दिया वीडियो लेक्चर नंबर 1, वीडियो लेक्चर नंबर 2, ये दो वीडियो लेक्चर्स दे दिया, उसके बेस पे जो ड्राइंग्स बननी चाहिए आपको, वो मैं ड्राइंग्स आपको शेयर करूंगा। जब आप वो ड्राइंग को देखोगे तो उसको तभी बना पाओगे जब उस वीडियो लेक्चर को वॉच करोगे। दूसरी चीज, जब आप क्लास में आओगे तो मैं रेंडम आशीष से पूछ लूंगा कि आशीष क्लास नंबर 1 में मैंने क्या पढ़ाया था, पवन से पूछ लिया क्लास नंबर 2 में मैंने क्या पढ़ाया था, तो ये तभी बता पाएंगे जब ये वॉच करके आएंगे। ठीक है, ये होगा। तो ये जब हमने करके आपका टास्क चेक करेंगे डेली कि आपने बनाया तो कैसा बनाया है, गलती क्या है, ये भी मैं आपको करेक्ट करूंगा। उसके बाद जो बचेगा टाइम हमारा, लगभग आधे घंटे में ये टास्क हो जाता है, इसके बाद का जो आधा घंटा है, वो आधे घंटे में मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि रेरा है, बिल्डिंग बाय लॉ है, ठीक है, प्लानिंग के कॉन्सेप्ट है, ड्राइंग का स्केल है, पेपर के साइजेस हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स है, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं 2D, 3D, 4D, 5D क्या होता है, LOD क्या होते हैं, ये सब एक एक क्लास में, एक एक दिन में, एक एक चीज मैनेज करेंगे। वो सब हमारे पास लिस्ट है, आपको सिर्फ करना ये है कि जिस दिन जो टास्क दूंगा वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जिस दिन जो टास्क दूंगा वो कंप्लीट कर लेना। ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं कि मेरे को एक लगभग हमारी 100 के आसपास क्लास होने वाली है, तो 50 से 60 क्लासेस हमारे पास फिक्स हैं कि हम करने वाले क्या हैं, और उसमें लगभग लगभग हमने सब कवर कर दिया है। बट अभी और एड्स ऑन कर रहे हैं, जिससे कि हर कोई चाहता है यार मैं अपना बेस्ट दूं, मैं भी चाह रहा हूं कि मैं अपना बेस्ट दूं आप सबके लिए। व्हाट इज सुषमा, और किसी को कोई क्वेश्चन है, वीडियो भी ऑन कर सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इंटरेक्शन क्लास है, जिससे कि हम सब एक दूसरे को समझ सकें। ठीक है, चलो, अगर किसी का क्वेश्चन कुछ नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। ओके, अभी कोई क्वेश्चन है किसी को, सीनू आपको या फिर पटेल सतीश, ये मत सोचना कि ये लोग क्या सोचेंगे, ये सब हम लोग सीखने के लिए आए हैं ना यार, तो ये मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, जो मन में है, जो दिमाग में है, सब पूछ डालो। ठीक है, चलो, अब से कोई क्वेश्चन है, आशीष, धनेश्वर, किरण, ठीक है, कुलदीप, ओके, चलो, होप अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर अब सर अभी तक तो सब क्लियर है, ओके, गुड, ग्रेट। ठीक है, मैं बार बार आपसे पूछूंगा, क्योंकि कैसे होता है, कुछ लोग को थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, तो वो भी हम यहाँ पर रिमूव करने वाले हैं। अभी जब आप फ्राइडे को मिलोगे मुझसे, तो फ्राइडे को मैं आपका वीडियो ऑन करवा दूंगा, जिससे कि मान लीजिए मैंने बोला सीनू अपना वीडियो ऑन करिए, और फिर मैं सीनू से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछूंगा, तो इनकी वो हेजिटेशन भी खत्म होने वाली है पूरी की पूरी। ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंकली हो जाएंगे कि भाई हाँ ठीक है, अभी मेरे कॉन्फिडेंस आ गया। पवन को बोल दूंगा कि पवन ये टॉपिक को आप खुद से एक्सप्लेन करो, अब पवन उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो उनकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम टाइम दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, घर पे प्रैक्टिस करके आएंगे। तो कुल मिला के मेरा काम ये रहेगा कि आपको हैबिट डालाना। पूछा हुआ क्वेश्चन आसान नहीं दिया आपने, ओके सर, अभिषेक ने पूछा हुआ क्वेश्चन का आंसर, ओके क्या क्वेश्चन था, हो सकता है स्किप हो गया हो। अभिषेक ने पूछा सर व्हिच सॉफ्टवेयर इज गुड, अच्छा, गुड और बेस्ट फॉर रेंडरिंग लुमियन और वीरे। ठीक है, अभी के लिए जो बिगनर लेवल पे आप सीखोगे, अब से देखो फिलहाल तो रेंडरिंग के बहुत से सॉफ्टवेयर है मार्केट में, बिगनर लेवल पे आपको इनस्केप यूज करना चाहिए। ठीक है, जो अभी तुमको मैंने वो दिखाया पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो पूरा का पूरा इनस्केप पे है। ठीक है, तो बिगनर लेवल पे आपको इनस्केप का प्रैक्टिस करना चाहिए, इनस्केप की प्रैक्टिस से अच्छा रहता है। उसके ऊपर होता है वीरे, उसके ऊपर होता है वीरे, और वीरे के ऊपर होता है लुमियन। तो ये स्टेप्स हैं। ठीक है, पहले आप इनस्केप पे अच्छी प्रैक्टिस करके अपना जॉब लो, फिर उसके बाद अपने वीरे को अपग्रेड करो। ठीक है, देखो एक बार जब एक सॉफ्टवेयर को चलाने की प्रैक्टिस हो जाती है तो दूसरा ऑटोमेटिक आने लगता है, फिर वीरे के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना, वो रहेगा आपका लुमियन। गॉट इट, ओके, चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, सबके पास लैपटॉप में ऑटो कैड है क्या, कमेंट करो किसके लैपटॉप में ऑटो कैड नहीं है, कमेंट करो किसके लैपटॉप में ऑटो कैड नहीं है। ठीक है, मुझे ऑटो कैड चाहिए 2016 से 2022 के बीच में, कोई भी वर्जन हो मेरे को सब चलेंगे। ओके, सतीश बोल रहे हैं सर BIM जॉब के लिए पुणे में कौन कौन सी है, सर बहुत से हैं सतीश, मतलब पुणे में तो BIM की जॉब का भंडार है। ठीक है, तो वो टेंशन मत लो, बेटर होगा कि मैं कुछ दिन वेट करूं, मैं डायरेक्ट ओपनिंग दिखाऊंगा कि देखो यहां पर ओपनिंग चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, वैसे मैं आप जब बोल ही रहे तो आपको बता देता हूँ कि इसमें नीलसॉफ्ट में ओपनिंग चल रही है, एक कंपनी है क्वांट, क्वांट करके है कोई कंपनी, उसमें चल रही है,
और वी कंस्ट्रक्ट में ओपनिंग चल रही है। मेरा एक चैनल है जॉब्स गाइड करके, सबके पास लगभग होगा, उसमें मैंने अभी रिसेंट में 5-6 जगहों की ओपनिंग्स बताई थी जो बीम में चल रही हैं। सर डज इंस्केप कवर द इन दिस कोर्स? यस वी आर गोइंग टू कवर इंस्केप, क्योंकि डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो तभी अच्छा बनेगा ना। आपका पोर्टफोलियो, आपका रिज्यूम, आपका कवर लेटर, जिस जिस चीज से स्ट्रांग होगा वो सब कुछ इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे। गॉट इट? ओके, इन्होंने बोला है कि ऑटोकैड का वर्जन किया हो, कोई दिक्कत नहीं, 2023 भी चल जाएगा, ठीक है। और अच्छा होता है कि आप अनइंस्टॉल मत कर देना, जो है बेटर है। अच्छा होता है कि थोड़ा लोअर वर्जन को इंस्टॉल करके रखो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपकी लोअर वर्जन को इंस्टॉल करके रखो? क्या होता है कि जब आप लेटेस्ट वर्जन को यूज करते हो तो लेटेस्ट वर्जन में क्या होता है कि कुछ अपग्रेडेशन बचे रहते हैं सॉफ्टवेयर में। ये मैं ऑटोकैड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑटोकैड तो चलो ठीक है, ओके ही रहता है। तो उनके जो अपग्रेडेशन होते हैं वो साल भर में 2-3 बार अपडेट होते हैं। मान लीजिए 2023 लॉन्च किया, क्या बोलते हैं, ऑटोडेस्क ने। अब क्या होगा, जब 23 लॉन्च किया तो अब उसके पास ये टास्क होता है ना कि यार ये चीज इसमें गड़बड़ है, ये चीज इसमें गड़बड़, इसको बग्स बोलते हैं, ठीक है। तो बग्स के लिए एक कंपनी में जॉब होती है जिसका नाम है टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टर सुना होगा आप लोगों ने, टेस्टर, ठीक है। टेस्टर क्या करता है, टेस्टर आपके सॉफ्टवेयर को बार बार चलाता है, तो उसको टास्क देखो, ये खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ सर बग है उसमें, ठीक है, होता है। तो टेस्टर चेक करता रहता है कि यार इस वर्जन में ये गलती है, इस वर्जन में ये गलती है। और पुराने जो वर्जन है 2016, 17, 18, 19, 20 जो है, उनके लगभग लगभग सारे बग सॉल्व हो गए, ठीक है, उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। इसीलिए हम या फिर कोई भी एक्सपर्ट होगा तो बोलेगा हल्का पुराना वर्जन। अब ये मैंने बोलूंगा 2007 वर्जन यूज करो, ठीक है, वो गड़बड़ होगा, ठीक है। सर क्या फोटोशॉप भी सीखने की जरूरत है क्या? नहीं, इंस्केप सीख लिया तो दैट विल बी कवर एवरीथिंग आशीष, नथिंग रिक्वायर्ड एल्स। उसके बाद 3D में से वीरे तो सीखेंगे ना, हो गया आपका मन है तो आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फोटोशॉप तो बच्चों वाला सॉफ्टवेयर है। सर कैन यू टेल द लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वी कवर इन दिस कोर्स? ओके, उसे मैंने बता दिया, फिर भी बता देता हूँ। ऑटो कैड में कवर करने जा रहा हूँ यहाँ पे रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेविस वर्क, स्केचअप, 3ds Max, टेकला, ठीक है। जो आपने BIM का कोर्स देखा हुआ है ऐप पर, वही सारा कोर्स का सिलेबस है। लेकिन यहाँ पर अलग क्या होने वाला है, यहाँ पर अलग वही जो BIM का कोर्स है ना, वही आपके पास रहेगा, वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। यहाँ पर अलग ये होने वाला है कि इंटरव्यू के बेसिस पे क्या कंपनी पूछ सकती है, एक एक चीज को डीप में समझाऊंगा, पहला अलग ये है। दूसरा अलग ये है कि यहाँ पर मैं आपका मॉक इंटरव्यू लूंगा, आपके अंदर एक हैबिट आएगी कैसे एक्सप्लेन करना है टॉपिक को, वो आप यहाँ पर सीखोगे। तीसरा चीज है आपकी कंसिस्टेंसी। क्रिकेट खेलना सबको बचपन में ही आता था कि बॉल आएगी बैट मारेंगे खटाखट, एग्जाम्पल बता चुका हूँ। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन होने की वजह न होने की वजह से हम में से कोई भी रणजी या फिर IPL नहीं खेल रहा है, राइट। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेसल करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दैट, ठीक है। यूट्यूब पे आज के टाइम में बहुत ढेर सारा कंटेंट है, बिलीव करिए, ठीक है। इतना बेहतरीन कंटेंट मैंने डाला हुआ है, लेकिन कोई वॉच क्यों नहीं करता, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इस कंटेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। मैंने नहीं, बहुत से यूट्यूबर्स ने डाले हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, वो थोड़े बहुत कुछ अच्छा कंटेंट शेयर कर रहे हैं। तो लेकिन हमें क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं क्या डायरेक्शन होना चाहिए। तो मेरा रोल है एज अ मेंटर, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा कि इस रास्ते से चलो। अब वो गाइड मैं क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 7 साल मैंने लगाए हुए हैं, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली कंपनी को क्या चाहिए। तो उस हिसाब से मैं करूंगा कि इंटरव्यू में जो मैं बोलूंगा शायद वही आएगा, और 80% तो जरूर वही आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। चलो अभी किसी को कोई डाउट नहीं है, अब मैं आपको बता देता हूं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करने हैं जिनका भी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, इंटायर स्क्रीन, ओके, ठीक है। सॉफ्टवेयर जिसका भी इंस्टॉल नहीं हुआ ना है, हुआ है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी बताऊं, और साथ ही साथ आपको एक इंडिपेंडेंट बना दूं कि भाई आप खुद से सारा काम कर सकते हो, आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो। क्योंकि कल को आपका लैपटॉप का फॉर्मेट हुआ तो आप सोचोगे यार अब मैं कैसे इंस्टॉल करूं, नहीं, सीख लो ना आपको इंस्टॉल कैसे करना है, सीधी सीधी बात है, हर चीज आपको खुद से सिखा दूंगा। चलो तो यहाँ पर देखोगे एक वेबसाइट है, वैसे तो बहुत है बट जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है getintopc.com, लगभग कई लोगों ने देखे भी होंगे इस वेबसाइट को। यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आने के बाद आप डाल देना AutoCAD 2020, ठीक है। अब याद रखना कि ये सॉफ्टवेयर है, जरूरी नहीं कि आपके लैपटॉप में 2020 सपोर्ट कर ले, किसी का क्रैक नहीं हो सकता, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ट्राई करना पड़ेगा। 2020 मान लो हमने ले लिया,
इंस्टॉल करने के लिए। ये देखो ये सॉफ्टवेयर आ गया, ऐसे राइट क्लिक करके ओपन कर देना न्यू टैब। ठीक है, अब इसमें कई ढेर सारे रहेंगे, रेस्टर डिज़ाइन, सूट प्रीमियम और रियल्टी वगैरह। ठीक है, ये नहीं करना है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ पहला वाला यही करना है। आप बोलोगे सर क्यों, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करो, हाँ सर क्यों, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आओगे, ये देखो आपका सॉफ्टवेयर है और ये आपका यहाँ से 1.5 GB का है, डाउनलोड कर सकते हो। और हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर का वीडियो देखना, ठीक है, लेकिन वीडियो क्या करना, डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि जब आप इंस्टॉल करोगे उस टाइम पर अगर आपका नेट ऑन रहा, क्या रहा, नेट ऑन रहा, तो फिर आपका सॉफ्टवेयर क्रैक नहीं होगा या फिर इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये वीडियो है, आपको देख के इंस्टॉल करना है, तो इस वीडियो को यहीं से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप वॉच कर सकते हो, और जब इधर वॉच कर रहे हो इधर आप वॉच डाउनलोड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो बेटर है पहले इसको, 2 मिनट लगेगा, ये देखो फट से गए। या फिर मोबाइल में आप वीडियो देखते रहना और उसके बाद लैपटॉप में करते रहना, बट जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे इंटरनेट आपका ऑफ रहेगा, एंटीवायरस आपका ऑफ रहेगा। ये देखो वीडियो आ गया, अब मैं नेट ऑफ भी अगर कर दूं, अब ये कर नहीं सकता नहीं तो अपने क्लास बंद हो जाएगा, तो ये देखो ये देखो पूरा का पूरा प्रोसेस क्रैक। ठीक है, ये हो गया क्रैक और ये हो गया फाइनल, बट इट। तो इस तरीके से 2020 कर लेना है। मान लो किसी ने 2020 कर लिया, उसके लैपटॉप में चल नहीं रहा है, तो भाई वो गलती में आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना, सब रिकॉर्ड है, देख लेना इस वीडियो को, जो ये वीडियो है मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे आज के लिए, आगे तो नहीं डालूंगा बट आज का डाल दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, सॉरी, अनइंस्टॉल टूल, अनइंस्टॉल टूल को जैसे क्लिक करोगे, यस करोगे, जिसका हो गया सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा उसकी बात कर रहा हूँ, तो अनइंस्टॉल करने के लिए अभी तक आपने क्या सीखा होगा, कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल, नहीं, ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर कभी भी कंट्रोल पैनल से नहीं करने चाहिए। कहाँ से करने चाहिए भाई, यहाँ से, सपोज ये हमको हटाना है, हमारा चल नहीं रहा है, मान लो इस पे क्लिक करोगे सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और अनइंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो अनइंस्टॉल कैसे करना है आपको दिखा दिया, सर्च बॉक्स में अनइंस्टॉल टूल लिखना है, उसके बाद ये क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना है। कई लोग क्या करेंगे, जो पहले जिनको पता नहीं रहेगा, उन लोग अगर सॉफ्टवेयर का नहीं चला तो सोचेंगे चलो कंट्रोल पैनल पे चलते हैं। ठीक है, जनरली आप में से बहुत से लोग ऐसे करेंगे और यहाँ पर अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे चलेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि ऑटोकैड का ये भी सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड का ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब किसको किसको करोगे, तो कोई ना कोई तुम्हारी रह जाएगी फाइल, जिसकी वजह से तुम जब नेक्स्ट वर्जन इंस्टॉल करोगे वो चलेगा ही नहीं, बट इट। तो इसलिए याद रखना, कंट्रोल पैनल से आपको सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं करना है, कहाँ से करना है, अनइंस्टॉल, ये उसके लिए है जो नया वर्जन डाउनलोड करना चाहता है या फिर जिसका एक वर्जन चल नहीं रहा है। ठीक है, यस, और यहां से करना, होप ये चीज भी सबका क्लियर होगा। इसके बाद यहां पर आना, अगर आपका ये वर्जन नहीं चल रहा है तो आप परेशान मत होना कि सर अरे मैं कैसे करूं, इसीलिए मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, मेरी क्लास स्टार्ट होगी परसों से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है। ऑटोकैड, कल ऑटोकैड के बारे में पढ़ाऊंगा, वैसे तो कल ऑटोकैड आपको ऐसा बताऊंगा कि एक बार में सारा ऑटोकैड आपका रट जाएगा, गॉट इट। तो अभी हमें ऑटोकैड 2018 ट्राई करना है, अगर 20 नहीं चला तो। ठीक है, और 18 ट्राई करके यहां पर आना और यहां पर आके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, इसका पासवर्ड पूछेगा तो 123 पासवर्ड रहेगा, और हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर ये वीडियो है, गॉट इट। तो ये तरीका है आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का। कल हम लोग ऑटोकैड को एक साथ रिवाइज कर देंगे पूरा का पूरा, उसके बाद हम ऑटोकैड चलाएंगे। ओके, आशीष ने पूछा क्यों वो जो ऑटोकैड एलटी है या फिर ऑटोकैड डिजाइन सूट्स है या फिर क्या बोलते हैं वो है, तरह तरह की चीजें। ठीक है, तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने वो 3 पीस खरीदा, 3 पीस, 3 पीस बोले तो क्या बोलते हैं वो जो ब्लेजर आता है, ब्लेजर के अंदर वो एक दूसरा ब्लेजर रहता है छोटा वाला, फिर उसके नीचे शर्ट रहता है और उसके नीचे डेफिनेटली पैंट रहता है, राइट, 3 पीस खरीदा है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग मार्केट में जाते हैं, वो क्या खरीदते हैं, बोलते हैं मुझे सिर्फ पैंट और शर्ट चाहिए, क्या चाहिए, पैंट और शर्ट चाहिए। कई लोग क्या बोलते हैं, सर मुझे पैंट तो चाहिए भाई और शर्ट भी चाहिए, उसके ऊपर वो जो होता है ना ऊपर वाला जो पहनने का, क्या बोलते हैं यार नाम, किसी को पता बताना, इतना मैं, मुझे ये सब आता नहीं है, तो उसके ऊपर वाला जैकेट चाहिए हाफ वाला। ठीक है, वो
क्या खरीद लिए, वो 2 की जगह 3 पीस खरीद लिए। और कोई लोग क्या बोलते हैं, मुझे पैंट भी चाहिए, शर्ट भी चाहिए, हाफ जैकेट भी चाहिए और ऊपर का ब्लेजर भी चाहिए, मतलब उनको पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए। गॉट इट? तो जब कॉम्बिनेशन खरीदते हैं तो क्या होता है, महंगा आता है। पैंट शर्ट खरीदते हो सस्ता आता है, पैंट शर्ट ब्लेजर खरीदते हो मीडियम प्राइस में आता है। गॉट इट? ऐसे ही ऑटो कैट का जो मैं आपको वर्जन दिखा रहा हूँ, ये वर्जन में सब कुछ है, ऑल इन वन है ये, ठीक है, जैसे अपना एक कोर्स ऑल इन वन। तो ये क्या है, ऑल इन वन है, जिसके अंदर सारा कुछ मिल जाएगा तुमको। लेकिन जब आप क्या बोलते हैं ऑटो कैड एल टी खरीदोगे तो उसमें कुछ टूल्स मिसिंग रहेंगे, क्योंकि कंपनी कहती है कि जब आपको एक्स्ट्रा टूल्स की जरूरत नहीं है तो आप एल टी खरीद लो, क्योंकि एल टी का जो प्राइस रहता है वो लगभग 80 से 90 हजार रुपये रहता है। और जो ये ऑटो कैड जो हम लोग चलाने जा रहे हैं, इसका प्राइस होता है 1,80,000, 1,80,000 रहता है। ऐसे ही ऑटो कैड डिजाइन सूट्स है, तो उसमें आपको उसी से रिक्वायर्ड टूल टूल है। एक ऑटो कैड आर्किटेक्चर आता है, अच्छा जी, वो क्या करता है, केवल आर्किटेक्चर के टूल्स उसमें ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, उसकी प्राइस कम हो जाती है, क्लाइंट ज्यादा खरीदते हैं। मतलब मटेरियल एक ही है, उसको पार्ट्स में कर दिया कि भाई जिसको जितना रिक्वायर्ड है उतना कर दे। अभी तो और एक नया फंक्शन आ गया है कि और लोग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करवा लेते हैं। कस्टमाइज मतलब उनको केवल लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, ऑफसेट इन्हीं की जरूरत है, तो बाकी सब हटवा देंगे। आप कंपनी में जाओगे तो आपको मिलेंगे, बाकी सब हटवा देंगे। तो जितना वो प्लगइन ऐड करवाएंगे उतने का उनको पैसा देना पड़ेगा, तो उनके सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। क्लियर है क्या आशीष? ठीक है, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया होगा? ओके ठीक है। बोले कौन सा लैपटॉप अच्छा रहेगा बीएम सॉफ्टवेयर के लिए, मैंने बताया अभी अभी जस्ट। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अगर आप नया खरीद रहे हैं तो। नया नहीं खरीद रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि फैमिली को बर्डन एक साथ मत दो, धीरे धीरे करो। अगर नया आपके पास पैसा है, बजट है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचपी का पवेलियन सीरीज का लैपटॉप लीजिए, बेस्ट चल रहा है। इसमें आप 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड डालिए, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। एचपी पवेलियन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो यूज नहीं किया उसको बता दूंगा, कुछ गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये मैं 1.5 साल से 4-5 दिन में एक बार शट डाउन करता हूँ, लोहा की तरह चलता है पूरा, गेमिंग लैपटॉप है एक तरीके से। बट कभी मुझे गेम खेलना ना आता है, ना मैंने कभी खेलने का टाइम इतना स्पेंड किया कभी, और ना ही मैंने वो क्या बोलते हैं वो नेटफ्लिक्स वगैरह जो होता है ना, मैंने, मेरा एयरटेल का पोस्टपेड सिम है तो उसमें नेटफ्लिक्स वगैरह सब फ्री होता है। मैंने आज तक कभी भी नेटफ्लिक्स को लॉग इन ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है वो हैबिट में पड़ गया तो फिर तो अपन लत तो लग जाएगी उसकी। चलो, और कुछ डाउट है आपको, कुछ माइंड में है कि सर ये बता दो ये बता दो, ऐसा कुछ है कुछ माइंड में है? क्या बोलते हैं, स्कैन टू बीएम बताऊंगा इन सब के बारे में, BM 360 के बारे में बताऊंगा आपको। कंपनी में जो जो लगने वाला है कुछ छूटने वाला नहीं है, मैक्सिमम चीजें वीडियो लेक्चर से कवर हो जाएंगे, जो वहां पे भी नहीं होंगे वो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमारा मेन रोल ही रहेगा कि देखना है उसको कोर्स का एक्सेस कब मिलेगा। आज से सबका प्रोसेस स्टार्ट होगा सतीश, कल तक सबको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए 2 दिन का हम टाइम भी लेते हैं, आज और कल तक में लगभग लगभग सबको ही कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको आज टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, आज ज्यादा टास्क नहीं है, बच्चों वाला टास्क है आज, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो मैं टास्क देने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन है अभी भी? ठीक है, नो क्वेश्चन, ओके। ऐप iOS में इंस्टॉल कैसे करें? iOS में इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, चलो अब से तुमको मैं ऐसे अभी याद रखो, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, तो आपको डाल देना है जो मैं कमेंट में दे रहा हूँ, OBHQH। क्या डालना है? OBHQH। जैसे ही डालोगे और क्लास प्लस ऐप में, तो हमारा एक इंडिविजुअल ऐप आ जाएगा, वो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। क्लास प्लस ऐप में हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है OBHQH, तो एक नया ऐप आ जाएगा, वो डायरेक्ट यूनिक सिविल का ऐप होगा, आप उसको यूज कर सकते हो। ओके चलो, मैं टास्क पे चल रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कल कितना लोगों ने टास्क करके आए हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, ये नहीं कि आपके ऊपर है, ठीक है, लॉग इन नहीं होता, सॉरी। हाँ जी बिल्कुल, ऐप से होगा, मैं आपको ऐप का एक्सेस दे दूंगा आशीष, ऐप से ही सारा कुछ करेंगे हम लोग। उसका रीजन है कि जो ऐप है वो कम कॉस्ट में लाइफ टाइम चीजें दे देता है, मतलब कि जो ये वेबसाइट है उसका जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है लाइफ टाइम के लिए, मतलब लगभग उसका रेंट ही 6 से 7 हजार रुपये पड़ जाता है पर स्टूडेंट, तो वो पे करना पॉसिबल नहीं है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन ऐप का कम है, इसकी वजह से इजी हो जाता है। ऐप को लैपटॉप में कैसे चलाएं? उसका लिंक मैं आपको ऐप अभी ग्रुप में दे दूंगा, आपको लिंक आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ऐप चलेगा प्रॉपर लैपटॉप में अच्छे से,
देखना है तो देख ही लो अच्छे इधर से, यहाँ जाना है। इसने पूछ लिया, बताई देते हैं, वेब डॉट ये देखो लिखा ना, वेब डॉट क्लास प्लस एप डॉट कॉम, ठीक है, ये लेना है। और ये कर कैसे कर देना है, अभी यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है जो कि आपका क्या रहेगा, OBHQH, यहाँ पर डालना है मोबाइल नंबर और यहाँ पर प्रोसीड कर देना है, ऑटोमेटिक आपका पूरा ऐप खुल जाएगा। क्या किया, वेब डॉट क्लास प्लस एप डॉट कॉम, लिंक आपको ग्रुप में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखो ऑर्गेनाइजेशन कोड ये है और यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो यहाँ से आप लैपटॉप में सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि टास्क क्या है, उसके बाद आप वेट करेंगे, कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा मीटिंग को जब तक मैं नहीं बोलूंगा। अगर बहुत इमरजेंसी है तो कमेंट कर देना कि सर मुझे किसी को जॉब वगैरह अगर रहेगा तो वो बता देंगे, ठीक है। टास्क आज आपका बता देता हूं जो आपको आज घर से करना है। ये पीपीटी है जिसमें मैंने डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एग्जैक्टली बीम होता क्या है, क्या एग्जैक्टली बीम होता क्या है, तो इसको घर से आपको पढ़ के आना है कि बीम होता क्या है। फिलहाल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और आगे भी करूंगा दोबारा भी, लेकिन पढ़ के आपको आना है। द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल 2D बेस्ड टू अ प्रैक्टिकल रियलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल इकोनॉमिक एनर्जीज एक्सेट्रा, ठीक, क्या हो रहा है, फोकस इज शिफ्टिंग, हमेशा हर कोई चेंज हो रहा है ना। पहले कभी हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ के कैमरा लेके हम लोग फोटो खींचते थे, आज ड्रोन आ गया, बट इट वैसे ही अभी क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। 2D, 2D मतलब एक 2D प्लान ऑटोकैड बनाते थे, वहां से अभी क्या हो गया, लोग चाहते हैं कि मुझे एग्जैक्टली प्रैक्टिकली दिखे कि मेरा घर कैसा होगा, अपार्टमेंट कैसा होगा, उसका गैलरी कैसा होगा, उसका बजट क्या आएगा, उसमें कितना सनलाइट आएगा, कैसे पानी वगैरह की व्यवस्था होगी, सोलर पैनल से कितना लाइट जनरेट होगा, ये सब लोग देखना चाहते हैं, राइट। जैसे जैसे टाइम आता है ना, लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हमारा अपडेट हो जाए, जैसे कि मोबाइल के बाद अब घड़ी में मोबाइल आ गया, आगे हो सकता है आपकी बॉडी में ही मोबाइल फिट कर दिया जाए, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते। AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट कैन शेयर अ सिंगल डाटाबेस इज BIM मॉडल, ठीक है, सॉरी AI नहीं यार, ये ऑल है, ऑल डिसिप्लिन, ALL नहीं लिखा है यहाँ पे, ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विथ प्रोजेक्ट कैन शेयर इन सिंगल डाटाबेस, एक ही फाइल में सारा काम अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं BIM मॉडल। अभी अगर आपको पहले हम लोग जब मैं जब जॉब स्टार्ट किया था, अभी जो जिस कंपनी के मैं बात कर रहा था, किचन जिसका मैंने बनाता था, उस कंपनी में ऐसा था कि मैं सिविल इंजीनियर था, मैं वॉल बनाता था, एक लड़की थी वो आर्किटेक्ट थी, तो वो क्या करती थी, यहाँ पर बर्नर रखेंगे, यहाँ ये रखेंगे, वहाँ वो रखेंगे, वो काम करती थी। एक बंदा इलेक्ट्रिक वाला था, वो क्या करता था, वो इलेक्ट्रिक की प्लम्बिंग करता था, फिर एक मैकेनिकल वाला था, वो ड्रेनेज का पूरा पूरा प्लम्बिंग करके देता था, एक स्ट्रक्चर्स वाला था जो कि प्लानिंग वगैरह कर देता था, मतलब कॉलम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। बिलीव करो, एक प्रोजेक्ट को करने में लगभग लगभग 1 महीना चला जाता था, छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन अब मेरे पास आया तो मैं अपने अकॉर्डिंग किया करके, फिर उसके बाद 2-3 दिन में करके फिर मैंने मेल किया, अब सामने वाला मेल देखेगा 2-3 दिन में, और फिर उसके बाद वो करेगा कि अच्छा ठीक है, फिर मुझे फोन करके कोऑर्डिनेट करेगा कि भाई यार इसमें ये क्या बना दिए हो, ये क्या बता दिए हो, फिर उसको एक्सप्लेन करो। सेम जब वो ट्रांसफर किया मैकेनिकल वाले को, वो बोलेगा भाई कॉलम यहाँ पर रखना जरूरी है क्या, 10 मतलब एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते करते 1 महीने में प्रोजेक्ट फाइनल होता था। लेकिन आज भी मॉडल है, तो क्या होता है, रेबिट आर्किटेक्चर वाली फाइल को रेबिट स्ट्रक्चर में चला सकते हो, तो कुछ भी दिक्कत आया फटाफट चेक कर लो खुद से, रेबिट स्ट्रक्चर वाली फाइल को रेबिट MEP में चला सकते हो, कोई दिक्कत आया फटाफट स्ट्रक्चर मार के चेक कर लो, खुद से ही चेक कर सकते हो आप, ठीक है। कोई दिक्कत आया उसी फाइल को नेविस वर्क के अंदर इंपोर्ट कर दिया, नेविस वर्क में जो चेंज करोगे ऑटोमेटिक रेबिट की फाइल में अपने आप चेंज होता चला जाएगा, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा, बहुत डीप में है ये, तो कुल मिला के एक ही फाइल में सारा काम हो जाना, उसको बोलते हैं बीम मॉडल। अब कोई पूछा कि व्हाट इज BIM, तो आपको बता सकते हो कि आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर MEP इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आर टाइड टुगेदर चैलेंजिंग कोऑर्डिनेटर देम अनप्रेडिक्टेबली पॉसिबल, एनर्जी एनालिसिस कैन बी डन एट अर्ली स्टेज ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर बीइंग मोर प्रेडिक्टेबल। यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आएगा, आप आइडिया लगा सकते हो कि कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका डिजाइन कैसा दिखेगा, ठीक है, आप आइडिया लगा सकते हो कि सनलाइट किस रूम में आएगा, किस रूम में सनलाइट नहीं आएगा,
आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होगी पूरे प्रोजेक्ट के लिए, उतने यूनिट ही मंगवाऊं, ठीक है, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। ये सब कुछ किसके वजह से पॉसिबल है? BIM कॉन्सेप्ट की वजह से, गॉट इट। अब BIM के बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है, BIM के बेनिफिट्स क्या क्या है? तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है भाई एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। बहुत एक्यूरेसी के साथ काम आपका हो जाता है कि आपको अगर 10 पैनल की जरूरत है तो 11 पैनल क्यों खरीदोगे, या फिर आपको अगर आप वॉल बना रहे हो तो आपको 12 फीट वॉल में सारा काम हो जा रहा है तो आप 14 फीट क्यों बनाओगे, ठीक है। तो पूरी एक्यूरेसी रहती है यहाँ पर। टाइम सेविंग होती है, कैसे कि हमको एक ग्राफ मिल जाता है ना कि फुटिंग का काम इतने टाइम में हो जाएगा। आज के टाइम में आप सबको पता होगा पजेशन का डेट फिक्स रहता है कि अगर पजेशन, जब रेरा पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, पजेशन अगर आपको इस टाइम तक देना है तो देना है, कैसे भी हालत में आपको देना पड़ेगा अपना पजेशन, गॉट इट। तो वो कैसे होता है, लोगों को हैटिक हो जाता है, बट अगर BIM का नॉलेज है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फुटिंग का काम के लिए अगर एक हफ्ते में करके देना है, 4 लेवल से काम नहीं हो रहा है, 6 लेवल लगा दो, क्या होगा, टाइम कवर हो गया ना। तो ये टाइम सेविंग का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है BIM के अंदर। आपको ये पता चल गया कॉलम का काम मुझे 1 महीने में करके देना चाहिए, और अभी आपका जो लेबर को है वो पूरे लेबर अगर मिल के करेंगे तो लगभग 1.5 महीना लग रहा है, 60 लेबर थे 1.5 महीना लग रहा था, आपने 90 लेबर कर दिया, वही काम 1 महीना में हो गया। तो क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है आपका। और टाइम सेव करके क्यों देना है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीजन है, आज के टाइम में रूल हो गया है कि अगर आप पजेशन के बाद, पजेशन डेट के बाद अगर अपना फ्लैट देते हैं ऑनर को, तो आपको वो इंटरेस्ट पे करेगा कि भाई आपने लेट किया, लेट करने का इंटरेस्ट पे करेगा, जो कि बिल्डर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस, पैसे बच सकता है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है पहले से सब क्लियर हो जाता है। इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है, इंफॉर्मेशन इजिली आप एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हो कि भाई स्ट्रक्चर वाले को बात कर लिया, तुरंत वहीं पर नोटिफिकेशन दे दो, वो अपने घर बैठा तो अपने घर बैठे हो। BIM 360 होता है, आगे पढ़ाऊंगा, तो तुम उसको बता सकते हो भाई यार ये सही कर लो, ये गड़बड़ है, ठीक है। और 3D प्रिंटिंग मॉकअप प्रॉपर हम दिखा सकते हो एग्जैक्टली हम क्या बनाने वाले हैं, सामने वाला एक दूसरे से एग्जैक्टली फील कर सकता है भाई बनने वाला क्या है। सिमुलेशंस कर सकते हो, सिमुलेशन मतलब एक तरीके का एनिमेशन हो सकता है कि फुटिंग कब तक तैयार हो जाएगी। देखा होगा आप लोगों ने कुछ वीडियो यूट्यूब पे कि फुटिंग आया, फिर कॉलम आया, फिर बीम आया, फिर स्लैब आया, फिर बाउंड्री आई वगैरह वगैरह, तो सिमुलेशन का काम है। इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट, कब क्या कितना लगेगा, शटरिंग कब कितना लगेगी। आप पता चला 2500 शटरिंग मंगवा कर रख लिए और उसका रेंट लग रहा है, और एक्चुअली में अभी जो रिक्वायरमेंट है केवल 250 की रिक्वायरमेंट थी, तो बाकी का तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है ना। तो आपको कब कितना शटरिंग की रिक्वायरमेंट है आप पूरा एसेट मैनेजमेंट कर लो, ठीक है। स्कैडा एंड BMS इंटीग्रेशन, आप कहाँ पर कौन सी मशीन फिट करना चाहते हो, कहाँ पर सोलर की लाइटें फिक्स करना चाहते हो, कहाँ पर मतलब बहुत ढेर सारी जितने भी इंटीग्रेशन करने वाले हो रिलेटेड टू स्कैडा, स्कैडा मतलब इलेक्ट्रिक वर्क्स, ठीक है, वो सब कुछ आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट, आप बता सकते हो कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, कब तक करेगा उसको, जैसे कि स्टील का कॉन्ट्रेक्टर है तो स्टील कब तक वो लगा दे, ठीक है, और शटरिंग का कॉन्ट्रेक्टर है तो शटरिंग कब तक फिट कर दे, ये सारा मैनेजमेंट आप यहाँ से संभाल सकते हो। कैसे होगा हम बताएंगे, इंतजार करो, ठीक है। BIM के अंदर किस किस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, तो एक प्रोजेक्ट तो आता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का प्रोजेक्ट आता है, ये मैं थोड़ा आपको फास्ट पढ़ाऊंगा, रीजन ये है कि ये टास्क है आपका, बट अभी पहला क्लास है ना तो टास्क कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का भी प्रोजेक्ट आता है इसके अंदर, सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग का काम भी BIM प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है, क्लास व्यू मॉडलिंग का भी, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, ऑफिस स्पेस इंटीरियर, कॉमर्शियल इंटीरियर, रेसिडेंशियल इंटीरियर, रेसिडेंशियल एक्सटीरियर, बिल्डिंग एक्सटीरियर, ये सारे प्रोजेक्ट जो है ये BIM के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर किए हो तो आपने BIM का काम किया हुआ है ऑलरेडी, बस आपको पता ही नहीं था कि BIM है, गॉट इट। और डीप में समझते हैं, अब ये देखो ये क्या है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो इसमें भी BIM लगा। अब लोग, सर इसमें BIM कहाँ लगा, ये तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है भाई, 3D विजुलाइजेशन हुआ ना, एक्चुअल में आपने बना के देखा कि कैसा दिखेगा, फिर बना ऑन साइट कैसे बन के बनाइए एग्जैक्टली, तो क्या हुआ, 3D विजुलाइजेशन हुआ। BOQ एंड टेंडर, बिल ऑफ क्वांटिटी पता चला आपको यहाँ से कि नहीं, कि कितना कितना क्वांटिटी लगेगा, उसके हिसाब से टेंडर आपने दिया कि भाई कितना पैसा लगेगा, कौन कितना मांग रहा है, जो सस्ते में कर रहा है उसी को आपने डन कर दिया। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो गया कि भाई रेरा के अकॉर्डिंग इतना छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से डिजाइन करेंगे वगैरह वगैरह। रेसिडेंशियल के अलावा इसमें आपको, इसमें रेसिडेंशियल में एनर्जी की एनालिसिस हो गई कि सनलाइट कहाँ कहाँ आएगा,
सनलाइट नहीं आएगा तो कांच लगा देंगे तो ज़्यादा सनलाइट आएगा, वो सारी चीज़ आप यहाँ से देख लीजिए। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स, कॉलम कितना लगेगा, कॉलम में फुटिंग लगेगी तो फुटिंग कितना नीचे जाएगा, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। प्री फेब्रिकेशन, सीढ़ी आप बाहर से बनवाओगे कि रेलिंग बाहर से बनवाओगे, रेलिंग का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इसको बोलो प्री फेब्रिकेशन, मतलब पहले से बना हुआ ले आए लगा दिया, ठीक है, वो भी यहाँ से आप पता कर सकते हो, बाकी विजुलाइजेशन आपको पता ही है, गॉट इट। इसके बाद सर्विस प्लानिंग, सर्विस प्लानिंग सबको पता है, जैसे कि क्या बोलते हैं आपका ये क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका बिल्डिंग बन गया, उसके अंदर आप क्या करवाओगे, एसी की फिटिंग करवाओगे ना कूलिंग के लिए, एमईपी करवाओगे, डक्ट लगवाओगे, एच यूनिट्स लगवाओगे, ये सब पढ़ाऊंगा आगे जब बीआईएम में एमईपी पार्ट आएगा, तो ये कहाँ से क्रॉस होनी चाहिए पाइप, फायर फाइटिंग की पाइप कहाँ से क्रॉस होनी चाहिए, अगर ये गलती से कॉलम के अंदर से या फिर इसके अंदर से आ रहे हैं तो क्लैश हो रहा है ना, तो क्लैश को कैसे हटाएंगे वो भी इसके अंदर हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना, क्लैश पॉइंट चेकिंग। अब ये पाइप को ऊपर से लेके गए ना कि इसके बीच से, क्यों, ये कूलिंग की पाइप है, इसके बीच से अगर फायर फाइटिंग जाएगी, एक तरफ ठंडा हो रहा है दूसरे तरफ से आग जा रहा है, गड़बड़ है ना, ठीक है, तो ये अलार्म भी बजता रह जाएगा, परेशान रहोगे क्या हो गया। उसके बाद क्रिए देखो, अब ये बीम है, अब इस बीम में अगर ये पाइप जाएगी तो कितना दिक्कत होगा, ठीक है, और उसके साथ ही साथ अगर इस बीम में ये पाइप अगर ऐसे नीचे आओगे फिर जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर जाएगा, तो आपका कितना एक्स्ट्रा पाइप वेस्ट होगा। यहाँ पर देखो कि अगर आपको क्लास व्यू नहीं किया है, आपको पता नहीं क्लास व्यू के बारे में, आप पाइप ले आ दिए इतना नीचे, अब भाई 1.6 मीटर, मतलब आप क्या समझ रहे हो कि डेफिनेटली अगर कोई एक लंबा हाइट वाला इंसान है वो इसके नीचे से नहीं जा सकता है, इसके नीचे आप पार्किंग भी गाई कार वगैरह के नहीं कर सकते हो, तो वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब ये देखो ये पाइप आ गई है, इस पाइप के अंदर से अगर ये एयर कंडीशनिंग का पाइप है और ये बाहर CO2 निकालने का पाइप है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है ना, गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो ये चीजें ना हो, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ये बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है इसका, ठीक है, तो क्लैश निकालने की एक कंपनी होती है, लोग कंपनी स्टेब्लिश किए हुए हैं जो कि सिर्फ क्लैश व्यू पॉइंट्स बताते हैं कि यहाँ यहाँ पर क्लैश है, इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, इसकी कंपनी होती है, आप समझ जाओ इतना काम है इसमें। फिर स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स, ये टेकला में हुआ है, कहाँ पर कौन सा कनेक्शन देना है, क्या देना है, और यहाँ पर हम कौन सा कनेक्शन देंगे, कितने बोल्ट देंगे, सब टेकला में हम लोग सीखेंगे ऑलरेडी। ऑफिस का इंटीरियर भी आपका देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, पहले से बना लिया तो इंटीरियर कैसे दिखेगा एग्जैक्टली, क्लाइंट्स को कैसे बैठाना है, हम मैंने ऑफिस खोला तो कहाँ पर किसको बैठाऊंगा, यहाँ पर कौन सी टीम रखेंगे, यहाँ पर कौन सी टीम रखेंगे, ये सब प्लानिंग, अगर मीटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, सब कुछ यहाँ पर डन कर सकते हो, गॉट इट। अब इसके बाद आता है LOD, मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट, आपका मन करे तो आप पढ़ लेना, कल की क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा लेवल ऑफ डेवलपमेंट को। रीजन ये है कि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो जॉब वाले हैं तो उनका स्किप ना हो जाए इसकी वजह से। अभी तक जो समझ में आया, जो भी आपने पढ़ा उसमें से कुछ डाउट है क्या या फिर कैसा लगा, आप सब माइक ओपन करके करके बता सकते हैं। मनीषा आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप फर्स्ट आई थी, कैसा लगा, कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। ओके, तो एग्जैक्टली अभी हमें कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, हाँ सर, हाँ सर, कर गुड, सकते हैं। चलेगा। सतीश आपको क्या समझ आया, माइक ऑफ कर देना मनीषा। सतीश हाँ सर, हाँ, कैसा लगा आपको, कुछ BIM का आइडिया लगा थोड़ा बहुत? हाँ लगा ना सर, आज फर्स्ट क्लास था तो बहुत अच्छा लगा। ओके, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि BIM होता क्या है ना। हाँ सर, ओके गुड। अभिषेक, अभिषेक कटरे, आपको कैसा लगा कुछ? सर अच्छा लगा, ऐसे फर्स्ट क्लास अच्छा लगा ये सब देख के, ओके LOD वगैरह के बाद में थोड़ा सीखने मिलेगा इसके बाद में। एग्जैक्टली, तो मैं LOD को क्यों नहीं लिया पता है, क्योंकि LOD को मैं डीप में जाना चाहता हूँ ना, तो अगर जल्दबाजी में लूंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सर, टॉपिक है। हाँ सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैंने आपको टास्क दे दिया है, आप पढ़ के आओगे, फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको और समझ में आएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए पवन, आपको कैसा लगा? सर हेलो, हाँ बोलो बोलो ना, बोलो। हाँ सर, मैं हेलो, तो हाय। पुराना स्टूडेंट हूँ सर, मेरे को तो पता ही है। हाँ, मतलब आज ये क्या बोलते हैं, BIM के बारे में कुछ आइडिया लगा कि क्या होता है एग्जैक्टली BIM? हाँ सर, हाँ सर, पता तो है। चलेगा। राहुल आपको कैसा लगा? राहुल पाटिल, राहुल पाटिल को आवाज नहीं जा रही है? जा रही है। सर तो कैसा लगा आपको, कुछ समझ आया? यस सर, समझ में आया BIM का कंसेप्ट क्या होता है वो थोड़ा।
समझ में आए, अभी कंटिन्यू जब भी लेक्चर चालू हो जाएगा तभी और समझ में आएगा। एग्जैक्टली तो अभी जैसे हमें एक इंट्रोडक्शन देखे हैं, और आज हम लोग को क्या करना है, आज हम लोग को मैं आपको एक रिज्यूम का फॉर्मेट दूंगा, एक्सपीरियंस वालों को अलग दूंगा और फ्रेशर वालों को अलग दूंगा। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको सीवी बनानी है, फिर मैं एक एक लोग की सीवी चेक करके बताऊंगा कि भाई इस सीवी में और क्या चेंज कर सकते हो। क्लियर है एसआर? तुम बताओ, अपना माइक ऑन कर लो एसआर। हाँ सर। पहले अपना पूरा नाम तो बताओ यार। श्याम राठी सर। श्याम राठी, तो तुम अपना नाम एसआर लिखते हो क्या? हाँ, शॉर्ट में एसआर लिखते हैं। अच्छा, श्याम राठी। ओके, श्याम का नाम तो भूल नहीं सकते, ठीक है, वो याद ही रखना पड़ेगा, मतलब कुछ भी करो ऊपर वाले को तो याद रखना पड़ता है। चलो, तो तुम्हें कैसा लगा, कुछ समझ आया? जी सर, फर्स्ट क्लास था मेरा। हाँ, ओके, गुड, चलेगा। देखो अभी हमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही धीरे धीरे प्रयास करते रहना है। और एक चीज और बोलूंगा, कुछ लोग का ऐसा रहता है कि जैसे कोई ईमेल आईडी वगैरह जो उनकी रहती है ना, इतनी अटपटी ईमेल आईडी होती है, अटपटी इन द सेंस समझ रहे हो, ठीक है, कि वो थोड़ा प्रोफेशनल वे में नहीं आता है। तो आपका अगर मेल आईडी ऐसा है, मुझे नहीं पता है किसी का है कि नहीं है, अगर किसी का है कि क्या बोलते हैं, एक लड़के का ईमेल आईडी था UP70, अब ये कौन सा वो हो गया, तो आपका ईमेल आईडी थोड़ी सी प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि मान ले राहुल है, तो राहुल पाटिल, आगे कुछ भी नंबर्स होते हो सकता है, इनके मोबाइल का नंबर हो सकता है, ईयर बर्थ हो सकता है, कुछ भी हो, तो थोड़ा प्रोफेशनल मेल आईडी आप लोग जरूर बनाएंगे, पहली चीज ये करना। दूसरी चीज करना कि ट्रू कॉलर जो आज के टाइम में बड़ा गंदा काम करता है, ट्रू कॉलर में बहुत छोटी छोटी चीज है, लोगों को पता नहीं है कि रिजेक्शन कहाँ से होता है। ट्रू कॉलर में आपका अपना नाम प्रॉपर लिखना है, ठीक है, कई लोग के। हाँ बोलो बोलो राहुल। ओके सर। हाँ, तो मतलब तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग कैसे लिखते हैं डॉन, कुछ लोग क्या लिखते हैं कि मतलब अलग अलग, भी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन कई लोगों का मैंने देखा है कि ट्रू कॉलर पे सही नाम नहीं होता। सो अपना ट्रू कॉलर डाउनलोड करिए, उसमें एडिट करने का ऑप्शन आता है, प्रॉपर आपका नाम आना चाहिए। रीजन, इंटरव्यूअर कॉल किया तो उसको ये फील होना चाहिए कि हम किसी क्या बोलते हैं, कोई लिख देगा दरोगा, कोई लिख देगा SSP, ठीक है, ऐसा होता है, मतलब आप पता नहीं आप फील करते हो कि नहीं, हम लोग कभी कभी कॉल करते हैं। और दूसरी चीज, कुछ लोग कॉलर ट्यून लगाते हैं और कॉलर ट्यून थोड़ा सुटेबल नहीं होता है, ठीक है, अब मैं किसी को पसंद नापसंद को नहीं यहाँ पर इंडिकेट करूंगा, लेकिन आप समझना कि अब कॉलर ट्यून में कुछ और ही बज रहा है, ठीक है, और आप निकले हो किसी प्रोफेशनल मैनर में, तो देखो अपने को हर तरीके से सुधारना पड़ेगा हमें। तो कॉलर ट्यून हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, या फिर कोई मोटिवेशनल हो, या फिर कोई सॉन्ग भी अगर है तो एक प्रोफेशनल है। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका है सिंपल रिंग टोन, अगर आपने मुझे कॉल किया होगा तो मेरा एकदम सिंपल रिंग टोन है, ठीक है, मैं उसको प्रीफर करूंगा, बट आपकी मर्जी है, मैं आपको इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो शीला की जवानी या फिर मुन्नी बदनाम हुई इस तरीके से कुछ लगा दोगे, थोड़ा इंप्रेशन लाइक डाउन होता है आपका प्रोफेशनल वर्ड में, ठीक है। चलो पटेल, सारिक पटेल, आपको कैसा लगा? पटेल जी, पटेल को लग रहा है आवाज नहीं जा रही। सीनू, तुमको समझ आया? ठीक है सर, हीयर वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, सर आप सारे पाइप के साइज भी बता दो। ओके, हाँ जी, अभी आगे आएगा ना, अभी तो वहां तो पहुंचे ही नहीं कुलदीप जी। सर आज फर्स्ट क्लास था मेरा, समझ में आया सर। ओके ओके, तुम कहाँ से हो सीनू? सर वैसे तो मैं नेपाल से हूँ सर। अच्छा, हाँ तुम नेपाल से हो, एग्जैक्टली, कल हमारी बात हुई थी ना? जी सर, जी सर। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। ओके, और क्या बोलते हैं, सुषमा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। ओके, कुछ नया सीखने को मिला? ओके ग्रेट, ये देखो हम अगर एक घंटा कहीं पे लगा रहे हैं, ठीक है, जब मैं एक घंटा कहीं पे लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहां पर हमें एग्जैक्टली कुछ मिला कि नहीं। हेलो, हाँ जी बताओ ना। हेलो, हाँ पटेल बोलो ना। हाँ सर, BIM की काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सर। ओके गुड, क्लास में इंट्रोडक्शन, वेरी गुड, मतलब कुछ एक घंटे में तुम्हारा वैल्यू एड हुआ ना? बिल्कुल सर। ओके गुड, यही होना चाहिए। और क्या बोलते हैं मार्कंड, आपको एक घंटे में कुछ नया मिला? मार्कंड सर, मकरंद सर, मकरंद, सॉरी मकरंद, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली वो आप अपन भी उतने इंग्लिश वाले नहीं है, लेकिन आता है वो कम समझ आया। हाँ मकरंद बोलो, कुछ समझ में आया, कुछ नया मिला मकरंद? हाँ सर, हाँ सर, मैंने ऑलरेडी BIM का क्लास लिया हुआ है आपका, करेक्ट, तो प्रैक्टिस भी मेरी चल रही है। वेरी गुड,
तो कुछ नया मिला होगा कि चलो इंटरव्यू हम ये मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर जिस तुम्हारा यस सीवी सर। सीवी का भी प्रॉब्लम था तुम्हारा, तो मैं आज सीवी शेयर करूंगा, ठीक है, सिंपल सीवी शेयर करूंगा, तो जो बिगनर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो एक्सपीरियंस वाले हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। कुलदीप देशमुख, ठीक ओके चलेगा, मतलब कुलदीप, सर। हाँ कुलदीप बताओ, कुछ सीखने को मिला आपको? हाँ सर, मतलब अभी बिगनर ही है तो अच्छा सीखने मिला। और ओके, सर ये मकरंद और ये रिपीट क्यों कर रहे क्लास आपके पास? रिपीट क्यों कर रहे हैं? रिपीट इसलिए, मतलब मेरी क्लास नहीं किए हुए हैं इन्होंने, वीडियो लेक्चर्स किए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स में क्या हो रहा है कि इन्होंने अगर कुछ किया और उसमें कुछ डाउट आया, तो ये क्या होता है कि एग्जैक्टली तुरंत हमसे ये गाइड नहीं कर सकते ना, गॉट इट। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वीडियो लेक्चर्स लिया हुआ है, तो वीडियो लेक्चर्स में कैसा होगा कि डेफिनेटली वन टाइम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ डाउट हुआ तो इनको वो चीज सॉल्व नहीं हुआ उनका वो, ठीक है। और इन्होंने अभी भी लिया, और आपको भी बीआईएम का ही क्लास लेना है ना, तो एक्चुअली तो सिलेबस वही है, तो साथ में ही पढ़ना है दोनों को, ठीक है, चलेगा। किरण, आपको कुछ समझ में आया, कुछ डाउट हुआ तो पूछ सकते हो। यस किरण, आपका माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही किरण? हेलो, हेलो, हाँ जी किरण, क्या समझ में आया? हाँ आप बोलो, अभी आवाज आ रही है। समझ में आया सब। ओके चलेगा, थोड़ा लाउड बोला करो। देखो ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, एक एक लोग से इंडिविजुअल क्यों पूछ रहा हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ ना कि ग्रुप में मैसेज कर दो, ठीक है। तो वो क्या होता है, इससे आप थोड़े से आपका एक्सप्रेसिव नेचर आता है कि आप बता पाते हो लोगों के बीच में बोलना, ऐसा नहीं है कि सबको इसकी जरूरत होती है, बट 80% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं मैं कैसे बोलूं, या फिर उनको लगता है कि मैं बोलूं कुछ गलत ना हो जाए, तो ये चीजें भी क्लियर होती हैं। इसीलिए हम लोग एक इसमें क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ आप प्रेजेंटेशन होगा, जैसे मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आप मुझे एक्सप्रेस करोगे और सबको एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। तो उससे हमारा इंट्रैक्शन बढ़ता है, प्लस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं भी सबके साथ बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं कोई मैं कुछ लोग कैसे होता है कि अपने आप को इंट्रोवर्ट मान लेते हैं, ठीक है, मैं इंट्रोवर्ट को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट इंट्रोवर्ट भी हो तो भी हमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना चाहिए। बिलीव करो इंडिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने टैलेंट को सही डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं पाते जो सक्सेस उनको मिलना चाहिए। धनेश्वर, आपको कैसा लगा? धनेश्वर, सर मालूम है सर। ओके, मैं नाम सही लिया ना आपका? हाँ सर, ज्ञानेश्वरी सर। हाँ धनेश्वर, धनेश्वर कहाँ से हो तुम? मैं उदगीर से हूँ सर। उदली से? उदली कहाँ? चल कर्नाटका। कर्नाटका, ओके गॉट इट गॉट इट, हाँ चलेगा। ओके तो सर मतलब कुछ नया मिला ना तुमको, कुछ सीखने को मिला, राइट? हाँ सर, मैंने भी यूनिक्स व्यू पे लिया है ऑलरेडी, प्रैक्टिस ओके गुड, कर रहा था, थोड़ा डाउट है तो नहीं तो पूछ ये लूंगा सर। बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो यहाँ तो तुम डेली पूछ सकते हो, आधा घंटा मैं सिर्फ आपको देता हूँ, आधा घंटा आपके टास्क को देता हूँ, आधा घंटा खुद को देता हूँ, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो अभी जिसका भी अगर किसी का जॉब है तो जा सकता है, क्योंकि हमारी बातें हो गई आपसे और क्लियर भी हो गया। आशीष, आशीष कैसा लगा? हेलो, हेलो, हाँ आशीष बोलो ना। हेलो। हाँ सर, अच्छा था, काफी अच्छा था। अच्छा कुछ समझ में आया, कुछ नया चीजें मिला होगा एक दो चीज ना? यस सर। ओके तो मैं ऑलरेडी ऑल इन वन का स्टूडेंट हूँ, पर करेक्ट, ऑल इन वन में क्या होता है कि आप बताते हैं वो समझ में आ जाते हैं, पर जब खुद करते हैं तो डाउट आता है, वो क्लियर नहीं होता। हाँ यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब वो उसके लिए बेटर है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनको केवल अपना कुछ चीजें क्लियर करना है, वो उनके लिए सही रहता है। लेकिन जब आप पर्सनली एक एक चीज को समझना चाहते हो डीप में, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम चाहे जो पूछ सकते हो, राइट, वो बेनिफिट यहीं पर होता है। और डेफिनेटली इसीलिए मैंने सिर्फ 15 लोगों को रखा हुआ है, रीजन इसका ये है कि हम डेडिकेशन के साथ इसमें 15 लोग को एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारी, 15 लोगों की टीम है, क्रिकेट टीम के बराबर ही हमारी टीम है। चलो ठीक है, होप सबको अच्छा लगा होगा, और हम लोग कल मिलेंगे। आज आपको काम क्या दिया हूं मैं, आज आपको काम दिया हूं कि आपका रिज्यूम अपडेट करना है, जैसा मैं सैंपल दूंगा उस तरीके से, ठीक है, जैसा मैं सैंपल दूंगा उस तरीके से आपको रिज्यूम अपडेट करना है। फिर हाल ही में सोचना को फाइनल रिज्यूम होगा, रिज्यूम को 7 से 8 बार हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि रिज्यूम मतलब आप, ठीक है, और आप मतलब भाई हम खुद के लिए तो भाई कर ही सकते हैं। तो मैं एक सैंपल दे रहा हूँ, उस फॉर्मेट में ले आइए, फिर उसके बाद हम आपके एडिटिंग करवा के और बेस्ट करेंगे उसको, ठीक है जी।
चलो, और उसके साथ ये BIM की जो PPT आपको भेज रहा हूँ, इस PPT को पूरा पढ़ेंगे, कल मैं आपसे खुद पूछूंगा, ये बताओ LOD 350 क्या होता है, तो आप एक्सप्रेस करना कि क्या होता है LOD 350। चलो ठीक है, बाय बाय सबको, एंड सबका दिन मंगलमय हो, अच्छे से इंजॉय करो, और क्या बोलते हैं, जाओ अपने अपने काम पे, जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो वो लोग आराम से क्या बोलते हैं, पहले तो रिज्यूम बना लो, उसके बाद ये बना लो, फिर हम लोग कल से टास्क देना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, और फिर आगे और करेंगे, ठीक है। और जिसका भी, जिसके पास भी BIM का कोर्स नहीं है, धीरे धीरे करके मुझे पर्सनल DM करना, पर्सनल मैसेज करना, ठीक है। तो मैं, क्योंकि कई लोग का हुआ है तो कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी किसी में बात कर रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल मैसेज करना, वैसे मैं खुद ही कॉल करने वाला हूँ एक एक करके सबको ही, ठीक है। हाँ बोलो श्याम। हाँ श्याम सर, जॉब और ये दोनों कैसा मैनेज करेंगे थोड़ा बताएंगे। ओके, जॉब और ये ऐसे मैनेज कर सकते हो इधर की मॉर्निंग में, तो आप प्रॉपर फोकस कर लो जॉब इस पे, ठीक है। अब जॉब से कितने बजे आते हो तुम एग्जैक्टली? 8:30 बजे आता हूँ। 8:30 बजे आते हो? जाता हूँ 8:30। 9 बजे आते हो? 8:30 बजे आते हो, राइट। साइट पर जाते हो? यस सर। ओके, कुछ वहां पर बीच में कुछ थोड़ा बहुत वक्त मिलता है क्या? क्या बीच में वहां पे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है क्या? हाँ मिलता है ना सर। ठीक है, तो बीच में जो भी टाइम मिले, एक ईयरफोन ले लो, ब्लूटूथ वाला ले लो जो कान में लगा रहता है, ठीक है। और क्या करो कि अपना जो लेक्चर्स है वो लेक्चर्स वॉच करने का काम करो अपने काम के बीच में, जब भी टाइम लगे, मोबाइल में तो देखना है, ठीक है, उसको लॉग इन करके 15-20 मिनट देख लिया एक बार, फिर इसके बाद फिर बैठे कहीं पे, फिर घूमने टहलने अपना, उनका जो काम वगैरह है जो भी देख लिए, लेबर वगैरह समझा दिए, फिर बीच में फिर 15-20 मिनट लगा के देख लिया। इस तरीके से कोशिश करो कि एक लेक्चर तो आपका, मतलब 1 घंटे का लेक्चर तो आपका साइट पर हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको घर पे आके क्या करो कि 9 बजे तक मान लो आ गए, 10 से आप 12 बजे तक का टाइम दे सकते हो, 10 से 12 बजे तक। देखो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ऐसे हम, ठीक है। अगर तुम सीधी सीधी बात है कि हमको अगर मर्सिडीज से चलना है तो हमको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, 800 से चलना है तो कम मेहनत करना पड़ेगा, और बाइक से चलना है तो और कम, साइकिल से चलना है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम 10 से 12 वाला टाइम अपना निकालो कि भाई 10 से 12 में जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे लोगों का अपडेट देखता था, आज से 3-4 महीने के लिए बंद कर देता हूँ अपडेट, एक जॉब मिलने के बाद फिर अपडेट चालू करूंगा, ठीक है। तो 10 से 12 2 घंटा इधर हो जाएगा, 1 घंटा आपका मॉर्निंग में आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी आप ट्रेवलिंग करोगे, ट्रेवलिंग बाइक से जाते हो कि कार से, क्या होते हैं वो, कैब वगैरह से? पास है ना, रूम का नजदीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर थोड़ा बहुत टाइम इधर से एडजस्ट कर सकते हो। कुल मिला के रास्ते में 1-2 लेक्चर फिनिश कर लो, ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ लेक्चर है वो डेफिनेटली तुम रात में अपना कवर करके प्रैक्टिस कर लो। देखो इसमें प्रैक्टिस बहुत लगेगा श्याम, ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं, डेफिनेटली मैं थोड़ा बहुत जॉब वालों को छूट दूंगा, लेकिन कोशिश यही करना है कि तुमको ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि तुम्हें एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में आना है। नहीं सर, मेरा क्या है, मैं एग्जीक्यूशन में है ना फुल टाइम, हाँ, लैपटॉप से इतना कनेक्ट नहीं होता हो ज्यादा, तो वही बोला ना कि लैपटॉप का काम करो 10 से 12 में रात को, ठीक है। जो लेक्चर का काम है, लेक्चर तो मोबाइल में देखना है ना, लेक्चर वीडियो लेक्चर्स में दूंगा, आज सपोज दे दिया ऑटोकैड के क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2, तो आपको क्या करना है, कहीं भी बैठे हो क्लास नंबर 1 आज ओपन कर लिया यूनिक्स में लैब पर, आराम से बस में हूँ या फिर क्या बोलते हैं लंच कर रहा हूँ, जहां पे भी तुमको सुटेबल लगता है 15-20 मिनट वॉच कर लो, फिर उसके बाद दोबारा कहीं टाइम मिला फिर आगे का 15-20 मिनट वॉच कर लो, ऐसा करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकालो, क्योंकि अगर तुम देखो ये तो सीधी सीधी बात है कि अपना लाइफ चेंज करना है, वो जो जॉब है वो जॉब तुम सिर्फ टाइम पास के लिए करोगे, ये फैक्ट है, ठीक है। अब ये तुम्हारा फुल टाइम होगा अगर तुम्हें सच में कैरियर बूस्ट करना है तो, ठीक है। तो अगर फुल टाइम करना है तो दोस्त आपको ऐसे निकालना पड़े, जैसे मैं ना जब क्या बोलते हैं हम लोग क्या रिजाइन देते थे किसी कंपनी में, तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो समझेंगे इस चीज को, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग का मैक्सिमम फोकस काम पे बिल्कुल नहीं होता था, मैक्सिमम फोकस होता था कि जो नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हैं वहां का काम क्या है सीख के रखता हूं, जिससे वहां पर मुझे नीचे नहीं झुकना पड़े, मैं ऊपर रहूंगा यार, मुझे तो सब आता है, ठीक है। तो हम उस कंपनी का काम छोड़ देते थे रिजाइन देने के बाद, 2 महीने का मान लो रिजाइन पीरियड है, तो 2 महीने हम जो नेक्स्ट कंपनी में जाने वाले हैं उससे रिलेटेड अपडेट करते थे खुद को, ठीक है, ऐसा ही कुछ कर सकते हो श्याम। चलो हाँ जी बोलो आशीष, बोलो ना सर। स्ट्रक्चर के लिए एक बुक बताए थे आप, व्हील शाह, बीम के लिए कोई बुक है क्या? अभी के लिए बीम की बुक की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सी बुक्स है बीम की, ठीक है, तो मैं उनकी PDF दे दूंगा, तुम्हारा मन करेगा प्रिंट कर लेना, ठीक है, तो मतलब आप पैसे उसमें मत यूज करो, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं बहुत से मकरंद में तो मतलब मैंने बहुत घाट की पानी पिए हुए,
चलो उसके बारे में कभी हम फिर से डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है? अभी कोई कॉल कर रहा है, ठीक है चलो। मैं लगभग लगभग एमएनसीज में भी किया और उसके साथ छोटी छोटी कंपनियों में भी किया और धीरे धीरे करके अब मैं बिल्कुल भी जॉब नहीं करता हूँ। कब से? मार्च से, जो लास्ट मार्च था 2021 का मार्च था, तब से मैं फुल टाइम अपने काम में हूँ, ठीक है? दिन में मेरा कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन का काम रहता है, आज भी एक स्टील स्ट्रक्चर है उसका डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, और दिन में मैं ये करता हूँ, और इवनिंग में और मॉर्निंग में फ्री रहता हूँ तो फिर आप लोग से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाता है, और बीच में टाइम मिलता है तो यूट्यूब वीडियो। मैं थोड़ा काम ज़्यादा करता हूँ, ये फैक्ट है, ठीक है? मुझे क्या बोलते हैं, डॉक्टर भी बोला हुआ है कि टेंशन ज़्यादा मत लिया करो, ये नहीं किया करो, लेकिन यार काम नहीं करेंगे, अब यही तो एज है काम करने की, काम नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा बड़ा कैसे करेंगे। चलो मिलते हैं कल, और फिर कल आगे करेंगे। रिज्यूम सभी लोग बना लेना, और उसके साथ जो पीपीटी दे रहा हूँ आपको बीआईएम की, पूरा पढ़ के आएंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है जी? चलो बस छोटा सा काम है, और क्या बोलते हैं, ऐप में आज आप सबको लॉगिन होना है, ऐप में मतलब मैं आपको ऐड कर दूंगा, और कैसे ऐड करना है प्रोसेस मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे आपको ज्वाइन होना है ऐप में, सो दैट कि कल का जो लेक्चर होगा वो ऐप पर होगा। आप लोग ऐसा सर क्यों? ऐसा इसलिए कि आज मैंने आपको बता दिया कि गूगल मीट से कैसे हम लोग क्लास करते हैं, कल आप सीख लोगे कि ऐप के ऊपर कैसे क्लास करते हैं, जिससे कि परसों से हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? अभी सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, बाय बाय।